हेलो 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 इसके चक्कर में हुआ है। वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज गुड मॉर्निंग भी मेरे साथ, गुड आफ्टरनून भी मेरे साथ, ओके, और गुड इवनिंग। क्या है जोश? जोर से बोलो। ओके, सो दोस्तों चलिए, अब आज का आपका लास्ट सेशन जो है वो जयसर लेने वाले हैं। तो दोस्तों तो जैसे मैं बोलता हूँ, जोर से बोलो एडवांस अकाउंट की। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपने आज सारे सेशंस जो है एंजॉय की होगी और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आए होंगे। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट डे है और थोड़ा आज हमारा अरेंजमेंट जो है चल रहा है, ओके, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप ओके कल से स्ट्रीमलाइन में आ जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे और हमारी अरेंजमेंट भी हम पूरी ओके पूरी अच्छे से प्लान कर रहे हैं, बातचीत चालू है। ओके, पर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो दोस्तों यहाँ पे यस कॉन्सेप्चुअली आपको सारी फैकल्टीज जो है यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाएगी और कल से आपको दिक्कत नहीं जाएगी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का आपका लास्ट सेशन जैसा स्टार्ट करने वाला है, मैं इनके बारे में कह दूँ तो सीए फाइनल में वेरी वेल नोन फैकल्टी, ओके, और एडवांस अकाउंट सच में कहूँ तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत फेमस है फाइनल लेवल पे। और आपको अब अकाउंट्स में यहाँ पे 50 to 60 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, 70 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं जो फाइनल का सिलेबस इंटर में आया हुआ है। और चलिए ओके, यहाँ जो है जय सर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से कवर करने वाला है। यस यस थके नहीं तुम लोग? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ठीक है, मैं तुम लोगों से और ज्यादा बातें नहीं करूंगा, एक बार रवि सर आपको गाइड करेंगे, फिर अपने जय सर जो है क्लास शुरू करेंगे। सुबह से बहुत बोल लिया मैं तुम लोगों। सुबह हम लोगों ने मोटो तय किया था, यस नो, बी फॉर बिलीव, बी फॉर बिहेव, बी फॉर दिन में 3 बार इसको दोहराना है। करेक्ट गाइस, पहला दिन है और एनर्जी थोड़ी ड्रेन आउट हो गई होंगी, कुछ लोगों को भूख भी लगी होगी, यस नो, कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा बोलते हैं व्हेन यू कैन नॉट रन यू शुड वॉक, व्हेन यू कैन नॉट वॉक यू शुड क्रॉल, एंड व्हेन यू कैन नॉट क्रॉल यू शुड थिंक अबाउट क्रॉलिंग। देखो पहले दिन इतना मत खुलो। चलो जय सर, हैव अ ग्रेट ग्रेट क्लास गाइस, एंजॉय द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है, जोर से बोलो। चलिए सो गाइस शुरू करते हैं। आई होप कि अभी तक एनर्जी थोड़ी बहुत बची हुई होगी, हाँ या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया यार, बस अब जाने दो यार, मुझे घर जाना है। कितने लोग बोल रहे हैं मुझे घर जाने दो? हाँ ऑल राइट, ऐसे नहीं छोड़ूंगा बेटा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये टाइम स्पेशली मैंने इसलिए लिया,
और हम डिसाइड हमारा ये हुआ कि भाई मैं आपको इतना जोश से भरपूर कर दूंगा आने वाले दिनों में. यस, 3 से 4 दिन 5 दिन तक थोड़ा सा आपका ना जो ये शेड्यूल चेंज हुआ है उसमें आपको उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी हार्डली 4-5 दिन. बट अभी जो अपकमिंग संडे आएगा उस दिन पूरी थकावट तुम उतार दोगे कपड़े धोने के अलावा, अगर टाइम बचा तो. सो कपड़े धोने के अलावा अगर टाइम बचा तो तुम डेफिनेटली अपनी थकावट उतार दोगे. और आई बिलीव कि मंडे ट्यूसडे से ये शेड्यूल के लिए तुम ना रेडी हो जाओगे. आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ये सब तुम्हारे साथ नहीं है, हमेशा होता आया है. बट एक बार चीजें हो जाती हैं 5 से 6 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बड़ा मजा आता है. और मैं आपको बता दूं कि शाम के टाइम पे बल्कि आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो नींद आती है वो खाना खाने के जस्ट बाद ही आती है. ठीक है, सो वो नींद वींद जो भी होगी वो तब तक भाग जाएगी. अगर नहीं भागेगी तो मैं डेफिनेटली ना आके ऐसे भगाऊंगा, चुटिया पकड़ूंगा मैं, चुटिया ऐसे, तो वहां पे आके मैं पकड़ूंगा और सबको मैं जगाऊंगा. डोंट वरी, मैं आपके साथ घूमूंगा भी यहाँ पर आते आते, मैं पूछूंगा भी चीज़ें कैसी कैसी होने वाली हैं. बस थोड़ा सा आज के दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पूरी वी स्मार्ट की तरफ से, क्योंकि हमने जितना आपने रिस्पांस दिया है, सबसे पहले थैंक यू सो मच. हमने ये रिस्पांस एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हमें बस 1 से 2 दिन की ज़रूरत है, तब तक हम आपको सबको अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, जितने भी अगर बच्चे कुछ वर्चुअल वगैरह में गए हैं उसके अकॉर्डिंग. बात करते हैं हमारे सिलेबस की, और स्टार्टिंग से बात करेंगे. अगर आपके पास कोई कॉपी वगैरह लाए हो एडवांस अकाउंट्स की, मतलब कुछ अलग से रजिस्टर वगैरह बनाया है कि नहीं बनाया है, बनाया है, चलिए तो मैं आपको बता दूंगा कि हमें कितने रजिस्टर्स लगेंगे और क्या लगेगा. बट उससे पहले पहला बैच न्यू सिलेबस का, यू गाइज आर मोस्ट लकी. अच्छा हाँ, वेट अ मिनट, सुबह से लेकर सर हमें हर कोई न्यू सिलेबस ऐसा है वैसा है ये सब बताते आ रहा है. आप मत पोकना अपना अपना, आप सीधा सीधा पढ़ाना शुरू करो, हमें मत बताना ये है वो है. सो मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं एडवांस अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताऊंगा. आपको हर कोई सुबह से लेकर मोटिवेट कर चुका होगा, न्यू सिलेबस का इंपॉर्टेंस बता चुका होगा. एक चीज बोलना चाहूंगा, पहला अटेम्प्ट है, इजी आने के चांसेस हाई हैं. कोशिश करके अभी से ही, आज से ही अपने 8.5 महीने यूटिलाइज अच्छे से करना. अब थोड़ी देर के लिए मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनेंगे सब लोग. अगर रजिस्टर होगा तो कभी कहीं कहीं जो मैं बोलूंगा लिखने को तो वो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जहां जहां मैं कहूंगा वहीं लिखिएगा. ये जो पर्टिकुलर बैच है, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी अपने से अच्छे से देखिएगा क्लास में क्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले नो योर टीचर. जय चावला मेरा नाम. 2011 में मैं क्वालिफाइड हुआ. 19 जुलाई 2011 को मैं क्वालिफाइड हुआ. 12 साल से पढ़ा रहा हूं. 2017 तक आई वॉज इन टू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रैक्टिस करता था. माई कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस वॉज इंड एस कंप्लाइंस, ए एस एंड इंड एस कंप्लाइंस फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज. मुंबई बेस्ड स्पेशली जो कंपनीज होती थी मैं उन कंपनीज में विजिट करके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंप्लाइंस करवाता था. सर ये क्या होता है कंप्लाइंस, हमें नहीं पता, वो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा. सो इसी फील्ड में मैंने प्रैक्टिस किया. बट आफ्टर 2017 मैं अभी टीचिंग में ही चल रहा हूँ और मैं टीचिंग में ही चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी थी, तो पढ़ाना ज्यादा मुझे बेटर लगा. सो फाइनल लेवल पर भी सेम सब्जेक्ट में ले रहा हूँ और इंटर लेवल पर भी सेम सब्जेक्ट ले रहा हूँ. मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज सीए बनने के लिए मैंने जो गैदर किया और सीए बनने के बाद जो 12 साल में मैंने जो नॉलेज गैदर किया इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको वो नॉलेज दे सकूं. और इन पूरे 30 नवंबर तक अभी जितनी भी नॉलेज आएगी मैं आपको वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा. हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ाई करेंगे. नॉलेज एक्चुअली क्या होती है, पढ़ना और रटना क्या होता है, वो अपने को धीरे समझ में आएगा और अपने को मालूम पड़ेगा कि यस, रटने से आगे जब हम चीजों को समझना शुरू करेंगे तो हमें रियल लाइफ में एएस कैसे काम आएंगे. ठीक है, सो वो सब चीजें मैं आपको एश्योर करता हूं. अब सिलेबस पे आ जाते हैं. सबसे पहले अगर आप सिलेबस लिखना चाहो तो बिल्कुल लिखिए, यहां से आपको इंपॉर्टेंट है लिखना सिलेबस, प्लीज लिखिएगा. सिलेबस लिखने से पहले स्टूडेंट्स को कौन से नोट्स बनाने हैं वो सुन लीजिए. रजिस्टर लगेंगे अपने, कोशिश करके अच्छे वाले रजिस्टर मेंटेन करिएगा, स्पेशली अगर
क्लासमेट्स के जो नोट्स आते हैं वो वाले अगर हो सके तो वो कोशिश करके मेंटेन करिएगा। क्लासमेट्स के मेंटेन करिएगा। मिनिमम साइज ऑफ रजिस्टर क्या हो सकता है? 250 पेजेस के आसपास का हो सकता है, बट एक रजिस्टर नहीं बनेगा, कम से कम अपने चार एक रजिस्टर बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए अपने को, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे के पूरे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, जितने अदर चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो अपने मिनिमम कह रहा हूं कि अपने को 250 पेजेस के चार रजिस्टर तो लगने वाले हैं, मतलब 1000 पेजेस अपने को चाहिए रहेंगे, ठीक है। एएस के लिए अपन अलग चैप्टर अलग रजिस्टर बनाएंगे और चैप्टर्स के लिए अपन अलग रजिस्टर बनाएंगे, मतलब अपना एएस का जो रजिस्टर होगा वो सेपरेट होगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर अपन को सीए फाइनल में काम आएगा और वो रजिस्टर हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे सीए इंटर क्लियर करने के बावजूद, क्योंकि वो रजिस्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अपने को फाइनल में सेम रिपीट होने वाली हैं। सो वो रजिस्टर अपना काम कर रहेगा। सो स्टूडेंट्स नोट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि वो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सिलेबस पे। बेटा 100 मार्क्स का पेपर, पेपर नंबर 1 क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? एडवांस अकाउंट्स की एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। सो एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर, 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यू। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है, एमसीक्यू में मैं आऊंगा। सिलेबस के अंदर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा सर 27 है? हाँ जी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सर हमने तो सुना था 29 है, एक्चुअली AS 8 और AS 6 डिलीट हो चुका है, तो 29 में से गए दो वो डिलीट हो चुके हैं। 6 पहले डेप्रिसिएशन हुआ करता था और 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ करता था, सो वो डिलीट हो गए। अब बचे 27, तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 18 प्रैक्टिकल और 9 केस स्टडी ओरिएंटेड। कसम है तुम्हें थ्योरी मत लिखना। चार दिन से काउंसलिंग सेशन में हर कोई पूछने आ रहा है सर थ्योरी है थ्योरी है थ्योरी है थ्योरी है। अरे भाई थ्योरी नहीं है, किसने तुम्हें बोला भाई AS थ्योरी है? अभी तुम्हें रियलाइज होगा आने वाले 10-15 दिनों में कि AS इज नॉट अ थ्योरी, इट इज कंप्लीटली अ केस स्टडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। प्रैक्टिकल का मतलब यह कि कैलकुलेशन बेस्ड होने वाले हैं, कैलकुलेशंस होंगे जो तुम एक्सपेक्ट करके आए हो इंटर में कि हां भैया कैलकुलेशन वो रहेगी, वो मिलने वाली है। 9 जो होंगे वो थ्योरी ना बोल के मैं उसको केस स्टडी ओरिएंटेड बोलूंगा। केस स्टडी ओरिएंटेड मतलब आपके सामने एक केस आ जाएगा, पर्टिकुलर एक सिचुएशन दे दिया जाएगा क्लाइंट का कि भाई ये क्लाइंट है और क्या बोलते हैं इस क्लाइंट के साथ इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एरर दिख रहा है, बताइए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आप इस एरर के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सो दिस इज नॉट अ थ्योरी जहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखने की जरूरत पड़ेगी, अपने को अपना समझना पड़ेगा। सो केस स्टडी ओरिएंटेड रहेगा। इसके अलावा 7 चैप्टर्स रहेंगे, 7 चैप्टर्स रहेंगे। देखिए मैं अभी आपको चैप्टर्स के नाम, AS के नाम, ये सब ना हम लिखते रहेंगे, ये सब मैं बताते रहूंगा। चैप्टर्स के नाम क्या है सर, AS कौन से सर, ये चीजें अपन सेकेंड क्लास से भी कर सकते हैं, पर पहले अपन समझ जाए कि अपना कोर्स है कितना। तो 7 चैप्टर्स रहेंगे जिसमें से 3 चैप्टर्स AS से ही रिलेटेड है। AS 3 वाला चैप्टर रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद AS 14 वाला एक चैप्टर रहेगा अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज सेपरेटली, और एक AS 21 वाला चैप्टर रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके। सो 3 चैप्टर्स अपने AS से ही रिलेटेड हैं और 4 चैप्टर्स अपने अनरिलेटेड हैं। अनरिलेटेड मतलब कौन कौन से, जैसे ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच में कोई AS नहीं लगता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, वहां पे कोई AS मतलब एस सच कोई AS उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायबैक छोटू सा चैप्टर है अपना, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोटू सा चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि अनरिलेटेड टू AS है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे तो आपको बाय द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी, बट अगर आप मुझसे सर एक दो शब्दों में पूछो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है, हमारे लिए जरूरत क्यों है, पॉइंट नंबर 1। इंस्टीट्यूट को क्या मजाक मस्ती लगी थी कि मतलब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाल दिए? पहले तो नहीं डालता था इंस्टीट्यूट, पहले तो इंस्टीट्यूट 25 मार्क्स का पूछता था अकाउंट्स में और 25 मार्क्स का पूछता था एडवांस अकाउंट्स में, मतलब 200 मार्क्स के पेपर में से
इंस्टीट्यूट पहले पूछा था 50 मार्क का एएस, अब उन्होंने बोल दिया कि 75 मार्क्स पूछेंगे। क्यों? ताकि आपका बेस क्रिएट हो सीए फाइनल के लिए। सीए फाइनल में 100% जो सब्जेक्ट है वो एएस वाला है। अब यहां पर अगर आपने एएस बहुत अच्छे से कर लिया तो ऑब्वियसली आपका बेस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा, ताकि आप फाइनल में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ये रहा पहला इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस नंबर टू, सर सीए बन गए या सर हमारा इंटर क्लियर हो गया, अब क्या? जब आप आर्टिकलशिप करोगे, आप किसी अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप में प्लेस्ड हो, मीडियोकर फॉर्म में भी प्लेस्ड हो, आर्टिकलशिप में आपके क्लाइंट्स का आप क्या करोगे? ऑडिट करोगे। और जब ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब बैलेंस शीट, मतलब पीएनएल, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, उसने सही बनाए हैं कि नहीं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर सही है कि नहीं, ताकि लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर सही डिसीजन ले सकें। ऐसा है कि नहीं वो तुम जज करोगे, और उसके लिए तुम लगाओगे एएस कि भाई वो जो उसकी बैलेंस शीट है उसमें प्रॉपर एएस का इंप्लीकेशन है कि नहीं, उसने ठीक तरीके से असेट को करंट में डाला है कि नॉन करंट में डाला है। ऐसा तो नहीं कि कोई असेट नॉन करंट की थी पर उसने करंट में दिखा दिया। करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन से भी डिसीजन मेकिंग बदल सकती है। ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल को उसने हटाकर अदर इनकम में दिखा दिया, या ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के अपना टर्नओवर दिखाने के लिए उसने अपनी अदर इनकम छुटपुटिया इनकम को भी सेल के अंदर मर्ज कर दिया पीएनएल में, ताकि इनकम ज्यादा दिखे, ताकि अर्निंग्स दिखे। तो ये सारी चीजों के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एएस क्या है, एएस के अंदर उस चीज के बारे में क्या लिखा है, और अगर वो लिखा है तो मुझे फिर अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसी तरीके से एएस लगवाने हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो ये चीज का इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि जब सीए इंटर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करोगे सो आपका बॉस आपको खुद ही बोलेगा कि देख भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब तू देख इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, अपने हिसाब से मुझे बता कि क्या क्या होना चाहिए। फिर जब सीए बन जाओगे तो आपको, आप जानते हो 2015 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बड़ा भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस आया। मैं बताऊंगा कि इंड एएस क्या होता है, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बनाया गया चीज आया। That time हर एक कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर इंड एएस लगा, एंड दे वर एक्चुअली आस्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि भाई आप आइए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एएस से इंड एएस में कन्वर्ट करवाइए, बिकॉज ओनली वी वर एक्सपर्ट इन दैट थिंग। तो उस टाइम पर, और अभी भी जितनी कंपनीज अनलिस्टेड से लिस्टेड हो रही हैं, जिन जिन अनलिस्टेड कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हो रही है, कभी ना कभी तो होगी ना भाई, ग्रोथ हर किसी को चाहिए। आज एक छोटी कंपनी है, आज उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ की है, जब उसकी नेटवर्थ 250 से क्रॉस हो जाएगी तो उसको इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो किसके पास आएंगे? आप लोगों के पास आएंगे कि भाई मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करके दो। सो रियल लाइफ में भी उसका इंपॉर्टेंस है और आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सीए फाइनल में भी वो काम आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंस, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, नेगेटिव नहीं है, पर इंस्टीट्यूट ने यह नहीं कहा कि हम एमसीक्यूज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे। इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज देंगे। अब ये केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज क्या होते हैं? आपके सामने एक केस आ जाएगा पूरा क्लाइंट का, रियल लाइफ सिचुएशन का, और आपको जो एएस पढ़ाया गया है उसी के नॉलेज के बेसिस पर आपसे वो 3-4 एमसीक्यूज पूछेगा उस केस के अंदर, और आपको बोलेगा कि बताओ क्लाइंट को ये करना चाहिए ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा। और एमसीक्यू क्यों आए? ताकि आप प्रैक्टिकल सोच सको, सिर्फ रट्टू तोते मत बनो, रटने वाले ना बनो। तो ये एमसीक्यू आना बहुत अच्छा था, ताकि आपकी नॉलेज आपके दिमाग से चेक की जाए, एंड दैट वॉज अ फेयर डिसीजन। क्योंकि जो रट्टू तोते होते हैं वो लिखने में तो बहुत आगे होते हैं, पर जब अगर वो किसी के सामने आ जाएं तो उनको कुछ बताने को होता ही नहीं है। उनके लिए 70% का तो है ही ना डिस्क्रिप्टिव, पर 30% सबके लिए जो अपना दिमाग लगा सकते हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, वहां आपको एएस में से केसेस बहुत अच्छे खासे आएंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जो ये 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ये मैक्सिमम एएस वाले बनेंगे, 7 चैप्टर्स वाले ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि केस सिनेरियो बेस्ड है। उसके बाद बुक्स की बात करें तो आपको सामने लिखा हुआ है कौन कौन सी किताबें मिलेंगी। पहली किताब कौन सी है बेटा?
अच्छे से बोलो यार, क्या मतलब? एएस का कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा। पहले हम इसको एएस ट्रम्प कहते थे, 4 साल तक वो जो एएस का मैं बुक देता था उसको मैं एएस ट्रम्प कहता था। नाउ आई चेंज द नेम, न्यू सिलेबस आ गया। फाइनल में भी जो मेरा बुक आता है इंडेएस का, वो इंडेएस कॉन्सेप्ट बुक आता है, तो हमने उसी के बेसिस पर ये बुक को रखा है। एएस कॉन्सेप्ट बुक, इसके 2 वॉल्यूम मिलेंगे आपको। एडवांस अकाउंट्स की जय आपको किताब मिलेगी, ये भी आपको 2 वॉल्यूम में मिलेंगे। उनमें से पहला वॉल्यूम प्रोबेबली कल शाम या परसों सुबह को मिलना शुरू हो जाएगी, पहली किताब जिसमें से अपनी पढ़ाई शुरू होगी 3 या 4 दिन बाद। तो एडवांस अकाउंट्स की जय आपको प्रोवाइड की जाएगी। द बुक विल लुक लाइक दिस, एडवांस अकाउंट्स की जय। और इसके अंदर QR कोड बेस्ड वीडियोस, बहुत सारे बच्चों को पता होगा काउंसलिंग के टाइम पर डेफिनेटली देवर देयर विद अस, हमने उनको दिखाया था कि QR कोड वीडियोस वगैरह कैसे रहते हैं उसके अंदर। तो ये QR कोड वाला जो सिस्टम रहेगा ये दोनों किताबों में रहेगा, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर भी रहेगा और ये एडवांस अकाउंट्स की जय में भी रहेगा। द थर्ड किताब यू विल गेट ईगल व्यू चार्ट बुक। ईगल व्यू चार्ट बुक कैसे दिखेगी भाई? ईगल व्यू चार्ट बुक विल लुक लाइक दिस। जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे या जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका समरी फॉर्म आपको चार्ट बुक में मिलेगा, ताकि आप रिविजन कर सकें अच्छे से, और आपको रिविजन मैं भी इस चार्ट बुक से करवाऊंगा। तो इस टाइप की चार्ट बुक आपको मिलेगी। आपको शायद आज कुछ सैंपल नोट्स मिले होंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाए? ओ माय गॉड, आपको नहीं मिले क्या? ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, कल तक आपको अरेंज करवा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सैंपल नोट्स आज नहीं मिलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज मैं आज जितना भी पढ़ाने वाला हूँ वो नोट्स में से कम, और बहुत सारी चीज़ें लिखवाने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो वो लिखते रहना, बाकी तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि सैंपल नोट्स आपको YouTube पे, आप जो ये लेक्चर देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने ऑनलाइन में पहले से ही रजिस्टर करवा लिया है उनके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आपको बुक्स के ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप ये बुक्स देखोगे तो पहला जो चैप्टर है आपको, अगर बुक्स हो अगर आपके सामने, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं यहां पर भी, द फर्स्ट सैंपल ऑफ द बुक, ये AS वाला सैंपल है, फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं आप सबके लिए। AS वाला सैंपल है। बुक किस तरीके से है, हर चैप्टर के अंदर 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको इस तरीके से। सेक्शन ए, 4 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे, सेक्शन बी जिसके अंदर हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे वो वाले क्वेश्चंस, सेक्शन सी MCQs मिलेंगे आपको, और कई बार MCQs में आपसे बनवाऊंगा भी मैं, कई सारे MCQs बना के आपको और भी शीट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, MCQs के बेसिस पर। और चौथा सेक्शन होगा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन की बातें मैं बाद में करूंगा, पहले मैं शुरू से समझा दूं। कॉन्सेप्ट के सेक्शन में सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे AS के, सिंपल लैंग्वेज में कि क्या क्या कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करेगा इस किताब से तो उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा। सेल्फ स्टडी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बनाए गए। जहां जहां मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत है वहां मैंने अपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल्स, यहां पर जितने क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको होंगे उनमें से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। एंड आई कैन प्राउडली से कि ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे के सारे खुद बनाए हुए हैं, क्लास के अंदर बनाए हुए हैं। और ये एग्जाम्पल्स एक्चुअली जो आपका अभी पिछला बैच हमारा खत्म हुआ आपके सीनियर्स का, उन सीनियर्स के साथ मिलकर मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स बनाए हैं। उनके बैच का नाम था सफेद चूहे बैच। सफेद चूहे कौन होते पता है? कौन होते हैं सफेद चूहे? क्या करते हैं हम सफेद चूहों के साथ, क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। सर क्या बात करो, कैसा एक्सपेरिमेंट किया था सर आपने? एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि दे एक्चुअली बहुत उन्होंने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। मैंने एक एक एग्जाम्पल उनके साथ बनाया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बनाए, वो एग्जाम्पल सॉल्व करके आते थे, फिर हम अगले दिन उसको डिस्कस करते थे, कई सारे एग्जाम्पल हम क्लास में करते थे, वो सारे एग्जाम्पल्स हमने अपनी किताब में छाप दिए। तो कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फिर अगर सेक्शन बी में आए तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन, RTP MTP पास एग्जाम के सारे क्वेश्चन एक ही किताब में मिलेंगे। मैंने कोई अलग अलग सेपरेट नहीं रखा कि भाई वो क्वेश्चन बैंक है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो तुम खुद कर लेना। नहीं, करना है तो सब क्लास में करना है, करना है तो क्लास में करना है। क्या होता था ना कि यार ये ना मेरा मेन किताब रहेगा, दूसरा मेरा क्वेश्चन बैंक रहेगा, वो तुम खुद कर लेना।
या वो मैं उसमें से डिस्कस कर लूंगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है। हम सारे क्वेश्चन यहीं कवर करने वाले हैं क्लास के अंदर, और अगर होमवर्क देना होगा तो जो भी क्वेश्चन मैं यहां पर क्लास में आपके साथ सॉल्व करूंगा उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन, डुप्लीकेट टाइप के, सिर्फ फिगर चेंज किए हुए क्वेश्चन आपको नीचे होमवर्क में मिलेंगे, जो आपको खुद से होमवर्क के लिए करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और सेक्शन सी तो रहेगा अपना एमसीक्यू। ये क्या है सर, सीरीज 100 200 300, इसके बारे में मैं आराम से बताऊंगा आपको, इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट बुक, ये एएस का बुक जो है विल लुक लाइक दिस, इस तरीके से कलरफुल बुक रहेगा। ये देखिए एग्जांपल्स, जहां जहां एग्जांपल की जरूरत है वहां वहां हमने एग्जांपल किए। सर एग्जांपल हमें डिस्कस कराओगे कि प्रैक्टिस करवाओगे? ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करने लायक एग्जांपल है ही नहीं, मतलब बस ऐसे डिस्कस कर लिया हो गया, नहीं, सारे के सारे अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सर आपने हमें यहां पर छाप के क्यों दिया अगर सॉल्व करेंगे तो? इसीलिए ताकि आपका एग्जाम टाइम में आपके पास लिखा हुआ हो पहले से ही, आपका टाइम वेस्ट ना हो कॉपी पलटाने में कि भाई यहां ये वाला एग्जाम्पल कहां गया, वो एग्जाम्पल कहां गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके से सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ये एग्जांपल्स अपने कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स होंगे, और फिर आगे जब सेक्शंस बाकी आएंगे क्वेश्चंस के, तो फिर आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरीके से, यहां से, यहां से अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन इस तरीके से मिलने में। जो मैंने एडवांस अकाउंट्स की जय बुक बताई उसका भी ये सैंपल चैप्टर है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, देखिएगा प्लीज, नोट्स के अंदर देखिएगा प्लीज, जहां पर एएस खत्म हो रहा है उसके बाद शायद बीच में चार्ट बुक के कुछ सैंपल आपको दिए गए होंगे, दिए गए चार्ट बुक, उसके बाद आपको तीसरा जो नोट्स है, मतलब वो जो मैंने अभी यहां पर खोल के रखा है, ये वाला चैप्टर खोल के रखा है मैंने, तो ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके वाले सैंपल मिलेंगे। ये वैसे ही उसी के बेसिस पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसी तरीके से आपको मिलेगा, सब कुछ वैसा रहने वाला है। चाहे एडवांस अकाउंट्स की जय किताब हो चाहे एएस कंसेप्ट किताब हो, दोनों को एक तरीके से बनाया गया है, सेम तरीके से बनाया गया है। और लास्ट में जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कभी कभार ऐसा होगा कि सर वो ना मैं लिख नहीं पाया, आपने आज जो करवाया वो सर मैं लिख नहीं पाया, मैं सुनने में इतना बिजी था, मैं कॉन्सेप्ट समझने में, सर मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट जब समझता हूं तो मैं लिखता नहीं हूं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, या सर मेरा कुछ छूट गया, तो मैं आपको अपने हैंड रिटन जितना भी लिखवाऊंगा हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको पीडीएफ सेम डे पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और आपके लॉगिन के अंदर कंप्लीट पीडीएफ रहेंगे, पूरे के पूरे, पूरी क्लासेस के कंप्लीट पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर सेपरेट रहेंगे। तो हैंड रिटन जय सर के लिखवाए हुए क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, कि घर जाके अगर आपको कुछ कॉपी वापस से बनानी है तो आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें अपनी मिलेंगी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी गाइस, क्लियर और नॉट? ऑल राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता दूं और फेस टू फेस वालों को भी बता दूं, हो सकता है आने वाले एक दो दिन में तुम्हारा कुछ और ऊपर नीचे हो जाए, प्लान वगैरह कैसा क्या हो जाए, या फिर कुछ बच्चे अभी अगर मान लो फेस टू फेस से के लिए आना चाहते हैं अभी आए नहीं है, स्टार्टिंग के 8 से 10 लेक्चर यूट्यूब पे होने वाले हैं, अगर कोई भी तकलीफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों ऐप में लेक्चर्स कब से आएंगे? वो 10वें लेक्चर के बाद आएंगे, अभी हमारे ऐप में ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं हो रहा, अभी आप निश्चिंत हो जाइए, हमारी टीम आपको कॉल करके सब करवा देगी। तो फर्स्ट 8 to 10 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। मैं फेस टू फेस वालों को भी बताना चाहूंगा कि कल को अगर आपकी छुट्टी हो गई किसी रीजन से तो आप फेस टू फेस ये यहां से कवर कर सकते हो, ठीक है? क्लास टेस्ट गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली हमें टेस्ट की जरूरत पड़ेगी और टेस्ट हमें देना पड़ेगा। 7 से 10 दिन में हम एक एक टेस्ट रखते जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं संडे टेस्ट रखूं, अगर मैं संडे को क्लास नहीं ले रहा हूं तो। सर संडे को क्लास लोगे आप? हाँ सर, अभी पहला संडे आने वाला है तब भी लोगे? हाँ नहीं, अभी पहला संडे है, अभी नहीं, अभी तुम नए कौले बच्चे आए हो, अभी थोड़ा सा तो पहले जान लो पहले सीए के कोर्स को। तो फर्स्ट संडे इज नॉट विल नॉट बी देयर, बट ऑफ कोर्स मैं आने वाले कुछ संडेज में क्लासेस लूंगा। सर क्यों लोगे? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपका बैच है ना, ये दिवाली वाला सेशन है, और दिवाली वाले सेशन में सलाह 10 दिन की देनी पड़ती है छुट्टी। जो दूसरा सेशन होता है नेक्स्ट 6 मंथ्स वाला, वहां कोई दिवाली और ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, 10 दिन की तुम्हें छुट्टी भी देनी है, और 10 दिन की छुट्टी मतलब कहीं ना कहीं दो बड़े चैप्टर्स या 4 बड़े एएस
तो भाई उसके लिए कहीं ना कहीं तो कवर करना पड़ेगा ना यार। तो क्योंकि हम आपको 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं दिवाली की, इस वजह से मैं बीच बीच में संडेज को क्लास लूंगा। ऑलराइट, चलिए। उसके बाद क्लास टेस्ट जो होंगे वही टेस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी होंगे। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के अभी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं पहले पूरा अपना कंप्लीट कर लूं। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी आपके क्लास टेस्ट होंगे, जिस टाइम पर आपके टेस्ट होंगे उसी टाइम पर बच्चों के भी टेस्ट होंगे ऑनलाइन वालों के। आपके पेपर भी चेक करवाए जाएंगे, ऑनलाइन वालों के भी पेपर चेक करवाए जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट कब होगा सर? मॉक टेस्ट होगा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 100 मार्क्स का 100% सिलेबस का आपका मॉक टेस्ट होगा, वो भी चेक करवाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, रोज शाम को 7:30 बजे जब अपना लेक्चर खत्म होगा उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट आया, कुछ स्टडी रिलेटेड डाउट है, आई वुड बी अवेलेबल हेयर ओनली। मैं यहीं बैठा रहूंगा अपनी जगह पर, और अगर आपको डाउट हो तो होगा तो आप रुक जाइएगा, मैं 7:30 बजे के बाद अवेलेबल रहूंगा फॉर द डाउट सेशन। अब वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चलती क्लास में शायद डाउट ना पूछ सकें। हालांकि मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल मत घबराना। मैं भी जब अपनी सीए की जर्नी शुरू कर रहा था तो मैं भी, मतलब सच बताऊं तो पढ़ाई में ठीक ठाक ही था। मेरा स्कूलिंग जब निकला था तो मेरा ठीक ठाक था, 70-75% कैटेगरी वाला स्टूडेंट था मैं। तब भी मैंने ये सोच रखा था कि मैंने पैसे भरे, मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर मैंने यहां पर पैसे दिए तो मेरा पूरा अधिकार है डाउट पूछने का। और ऐसा लगता है हमें कि सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा तो नहीं कि वो मजाक उड़ाएगा, ऐसा तो नहीं कि आसपास वाले क्या सोचेंगे। भाई देखो, आसपास वाले क्या है कैसा है वो अपना जाने, हमें अपना सीए करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें अपना डाउट पूछना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास में आप डाउट पूछिएगा, बट अगर आप नहीं पूछ पाओगे तो मेरे पास दूसरी टेक्निक है। जब मैं घूम घूम के पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके बगल में आऊंगा तो आप इतना कंफर्टेबल रहोगे कि आप मुझसे डाउट पूछ लोगे, आई बिलीव ऐसा हो जाएगा। तीसरी चीज, क्लास खत्म होगी और आप यहां पर आके मुझसे डाउट पूछेंगे कि सर इसका क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या। अगर उसमें 1 घंटा भी लग गया तो मैं 1 घंटा भी बैठने को तैयार हूं। ऑनलाइन वालों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे टैग करके डाउट पूछोगे। और इसके अलावा डाउट पूछने के लिए आपको मेरा नंबर नोट करके रखना है, सब लोग करेंगे, आपको मेरा नंबर नोट करना है डाउट पूछने के लिए, सब लोग अपना मेरा नंबर लिखेंगे, उसमें आपको डाउट पूछना है। सर उसमें हम आपसे ये बोल सकते हैं कि हमारी आप सर क्लास इंस्टॉल करवा लो, सर हमारी बुक नहीं आई, किताब नहीं आई, सर हमें हम वो उसमें ये नंबर डाल दें, नहीं ऐसा नहीं भाई। वो जो नॉन स्टडी रिलेटेड डाउट्स होंगे उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करवाऊंगा अपनी टीम से, पर स्टडी वाले डाउट्स मेरे ये नंबर पे आप पूछ सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही जल्द हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, एक आपके साथ एक आपके पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ इतनी ताकि दे शुड ऑल्सो नो योर क्या बोलते हैं आपका स्कोप क्या चल रहा है, आपके उसमें कितना प्रोग्रेस चल रहा है। सो द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस कार्ड डेफिनेटली वी विल शेयर विद देम, और आपके साथ बनेगा ताकि उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सके, हमारा कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। सो दिस विल बी देयर। जूम सेशंस हम बीच में थोड़े थोड़े जूम सेशंस भी करेंगे। सर जूम सेशन करेंगे, हम तो फेस टू फेस मिल रहे हैं। जूम सेशन हम मोस्टली तब करेंगे जब हमारे रेगुलरली क्लास खत्म हो चुके होंगे, उसके बाद जैसे मैं 30 नवंबर के बाद मेरा कोर्स खत्म हो चुका होगा। अब 30 नवंबर के बाद तो आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ना बंद कर दोगे, आप तो ऑडिट पढ़ोगे, FMSM पढ़ोगे, GST पढ़ोगे, तो भाई कैसे कनेक्टेड रहना है उसके लिए मैं 30 नवंबर के बाद आपसे जूम पे कनेक्टेड रहूंगा और आपको बताता चलूंगा कि कैसे कैसे आप अपना स्टडी प्लान कर सकते हो एडवांस अकाउंट्स के लिए। बीच बीच में मैं आपको टारगेट्स देता रहूंगा, मैं जूम सेशन में बीच बीच में आपको रिविजन्स करवाता रहूंगा, वो तब होंगे जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन वालों के साथ जूम सेशंस हमारे अभी से ही शुरू हो जाएंगे ताकि हम उनसे बातें कर सकें साथ में। सो दैट्स ऑल। नाउ बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, हाँ या नहीं? कौन ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करना चाह रहा? कैसी बातें कर रहे हो सर, पहले ही दिन मतलब क्या सूंघ के आए हो क्या सर आप? अरे नहीं, मतलब पूछ रहा हूं भाई, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहता है? सर फिर से बोलना, सुना नहीं। कौन ऐसा स्टूडेंट जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहता है? हाँ यस सर, ऑब्वियसली सर, बिल्कुल
गाइस बहुत ही बेसिक चीज है जो तुम्हें पता है, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, कुछ चीजें ध्यान रखिए प्लीज। आपको ना ये आने वाले 5.5 महीनों में बहुत काम आएगा। पहला क्या लिखा है बेटा, जोश दिखाओ यार। किस चीज की कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं, क्या कंसिस्टेंसी रखनी है? अटेंडेंस की कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा नहीं कि फालतू छुट्टियां हो, ठीक है। पढ़ाई अगर मुझे करना है तो प्रॉपर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि भाई कल से जिम पक्का, 1 तारीख से जिम पक्का, वैसा वाला सोचकर बस हमारा 1 तारीख तो अभी आई नहीं, या आज तेरा भाई पढ़ेगा 12 घंटे फिर अगले दिन कुछ भी नहीं, ये नहीं चलता। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज के 2 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, बात खत्म, मुझे रोज के 2-3 घंटे पढ़ने मतलब करने, तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट के साथ आपको इक्वली जस्टिफाई करना पड़ेगा। मे बी यहां पर आपके आने वाले दिनों में कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट हो सकता है आपका, टैक्स हो सकता है, लॉ हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, कॉस्टिंग या कोई भी और, ऐसा नहीं कि पर जो फेवरेट सब्जेक्ट बस मैं वही कर रहा हूं, मैं बार बार वही कर रहा हूं और मैं दूसरे सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे रहा हूं। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा क्लियर होता है ना, उसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक और फीचर क्या होता है कि वो पहले दिन से बहुत तेज भागता है ताकि उसको आखिरी में अच्छा खासा टाइम मिले। अच्छा खासा टाइम मिलेगा तो मैं रिवीजन ज्यादा करूंगा, 2 नहीं 4 रिवीजन करूंगा, मॉक टेस्ट 1 बार नहीं 2 बार दूंगा ताकि मैं अपने आप को जज कर सकूं कि मेरे में कितना दम है नंबर्स लाने का, एग्जम्पशन लाने का। सो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और फैकल्टी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। गाइस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जहां पे भी अपनी क्लास लगाने वाले हो, जहां भी लगा रहे हो, क्या है डेमो नो डेमो व्हाटएवर, बट जिसके पास भी आप लगाओगे आपको ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा। सो आपको ब्लाइंड फेथ मुझ पे रखना पड़ेगा कि भाई जय सर बैठे वो सब करवा लेंगे, अच्छे से करवा लेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे और हमें एग्जम्पशन दिलवा के रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई और च्वाइस नहीं है। आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे, और ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा ताकि आपको मैं कंसिस्टेंटली चला सकूं। द सेकंड थिंग इज क्या होता है, सेल्फ बिलीव। क्या हुआ मैं आपको बताऊं, अभी ना 4-5 दिन से जो काउंसलिंग हमने ली बच्चों की, वी वर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, आप में से कई सारे बच्चे शायद मेरे पास आए होंगे, कई सारे बच्चे शुभम सर के पास गए होंगे, रवि सर के पास गए होंगे, विशाल सर से मिले होंगे। यार एक चीज हमने जो फील की ना, 50% बच्चे डरे हुए हैं, सर फाउंडेशन तो हो गया अब कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है सर, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर मैं तो बस एक ही ग्रुप करूंगा, सर दूसरा ग्रुप मैं बाद में करूंगा। इसको डर कहते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। याद रखना एक चीज, जो चीज बार बार दोहराओगे ना वो पलट के तुम्हारे साथ होगी, यूनिवर्स को जो बोलोगे वो उल्टा तुम्हें वही देगा। अगर बार बार बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ग्रुप के लायक हूं, तो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि हां भाई ये सही कह रहा है। एज अ जय मैं अगर बार बार कह रहा हूं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेरा दिमाग बोलेगा यार जय कह रहा है तो इसका मतलब यही होता है नहीं हो पाएगा। हमारा दिमाग वही चीज एक्सेप्ट करता है जो हम बार बार उसको कहते हैं, उसको मैसेज देते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है बच्चों, यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे 90% नहीं आए होंगे, 80% नहीं आए होंगे तो हमसे होगा नहीं। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं एंड उनके मार्क्स 12th तक फाउंडेशन तक कुछ खास नहीं थे, 207 पे पास हुए, 200 पे पास हुए, 205 पे पास हुए, या फिर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो हमारे सिर्फ 60% आए, 55% आए, कोई दिक्कत नहीं। क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, काम की ये है कि यार तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना कि तुम सीए बन जाओगे, बात खत्म। अपना सेल्फ बिलीव जरूर रखना, अपने पे भरोसा रखना, अगर अपने पे भरोसा नहीं रख पाओगे तो फैकल्टी पे कैसे रखोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर। सो मेरे ऊपर ट्रस्ट करने से पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना कि हां मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कितना, देखिए डिफाइन नहीं है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अरे नहीं है यार। पहली बात तो आप सुबह 8:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ रहे हो, मतलब ये हो गए आपके 11 घंटे। 11 घंटे में अपन 1 घंटा 1.25 घंटा अगर ब्रेक का भी हटा दें तो इफेक्टिवली आप कहीं ना कहीं 9.5-9 घंटे पढ़ रहे हो, 9-9.5 घंटे पढ़ रहे हो। अब 9.5 घंटे पढ़ने के बाद सर
और कितना पढ़ना है? सिर्फ होमवर्क करना है, सिर्फ होमवर्क। सर पूरा रिवीजन बार बार करना चाहिए? नहीं, वो मैं करवाऊंगा, वो हर फैकल्टी की जिम्मेदारी है। हम अगले दिन क्लास में आएंगे, 15 मिनट का रिवीजन मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट का रिवीजन मारने के बाद मैं पूछूंगा, बेटा कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बोलो बेटा किसमें किसमें किसको किसको डाउट है? अच्छा इसमें डाउट है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। मतलब होमवर्क क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस होंगे, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो होमवर्क दिया गया है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। 2 से 3 घंटे, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 घंटे मिलाकर बोल रहा हूं। मतलब कॉस्टिंग का आधा घंटा, एडवांस अकाउंट्स का आधा घंटा, लॉ का आधा घंटा और टैक्स का आधा घंटा, 2 घंटे हो गए। उससे ऊपर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है तो पहले नींद इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 6.5 घंटे की नींद नहीं ली तो अगले दिन की क्लास हमारी बहुत खराब होगी। 6.5 घंटे की नींद हमें चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो हमारी बॉडी आगे चल के 7-8 दिन के अंदर हमारी बॉडी फेंट हो जाएगी और हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या मेरे घर वाले आएंगे मुझे ले जाएंगे, मेरा बैकलॉग होगा, फिर बैकलॉग के भरोसे फिर मेरा दोनों ग्रुप से मैं सिंगल ग्रुप पर शिफ्ट हो जाऊंगा। सो इसीलिए आपको नींद भी करनी है 6.5 घंटे के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी के बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है? सब लोग बोलेंगे गुड कंपनी। सर गुड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? सर लॉ में जो कंपनी बनती है वो, हाँ गुड कंपनी ऑब्वियसली मींस गुड फ्रेंड्स। आप जानते हो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हम अपनी लाइफ में जिन लोगों के साथ रहते हैं पूरा दिन भर, हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, हम जिनसे रेगुलरली मिला करते हैं, आप सोच सकते हो आपके माइंड में चल रहा होगा कि मेरे साथ कैसा क्या है। हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं ना, 5-6 लोगों के इर्द गिर्द, हम वैसे बनने लगते हैं। और ये है, ये फैक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूं। हम अपनी लाइफ में जितना ज्यादा टाइम उनके आसपास बिताते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, हम वैसे होने लगते हैं। वी आर द एवरेज, वी आर द सिंपल एवरेज ऑफ अदर 7 पीपल। यस दिस इज द फैक्ट। मैं बाकी 7 लोगों के साथ रहता हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं किसके साथ रहता हूं? मेरे घर पे कौन है? मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, बस। और यहां पर कौन है? मैं अपनी लाइफ कहां बिता रहा हूं? मैं अपने घर पे बिता रहा हूं और अपने ऑफिस में बिता रहा हूं। ऑफिस में कौन है मेरे साथ में? शुभम सर है, विशाल सर है, रवि सर है। मतलब कहीं ना कहीं मैं उनका और अपने वाइफ और बच्चे का कहीं ना कहीं एवरेज हूं, क्योंकि मेरे में मैं वही सोचूंगा करूंगा जो मेरे इर्द गिर्द वाले लोग करेंगे। इस चीज को जरूर याद रखना। तो आपके लिए गुड कंपनी जरूरी है, अच्छे दोस्त जरूरी हैं, ताकि आप अच्छे दोस्तों की संगत में रहोगे, पढ़ने वालों की संगत में रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्ती नहीं हो सकती, नहीं नहीं मस्ती भी होना चलेगा ना, पर अच्छी कंपनी होगी तो आप उसका एवरेज निकल के आओगे, और एवरेज निकल के आओगे तो ये ऊपर वाली 4 चीजें कर पाओगे। सो आपका अभी करियर में 5 से 10% मैटर करती है आपकी कंपनी, आपकी दोस्ती, कि किस तरीके से आप अपने दोस्ती यारी करते हो और कौन से लोगों को आप चूज करते हो। अभी 7-8 दिन में अभी जगह कुछ लोगों की फिक्स हो जाएगी, हम तो यहीं बैठते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप फिक्स हो जाएंगे, कुछ निब्बा निब्बी दिखने लगेंगे कुछ लोग यहां से हम जब जाएंगे, लंच हो रहा होगा तो नीचे जाएंगे, सीढ़ियां उतरेंगे तो कुछ चुन्नू मुन्नू हो बैठे रहते होंगे कि तू बता तेरा क्या है, तू आइसक्रीम खाएगी, मैं आइसक्रीम खिलाऊं, ऐसा वाला तेरे को दिखेगा। सो कई बार बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा कि इसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, कुछ नहीं बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा, कई सारी चीजें होंगी। द कंपनी मैटर्स, जस्ट अ कंपनी मैटर्स, एंड इफ यू वांट अ गुड कंपनी आई वेलकम यू, मैं आपका दोस्त बन सकता हूं, ठीक है। सो अगर आपको कंपनी अच्छी चाहिए तो ये टीचर आपको वादा करता है कि क्लास के सेशन के एंड होने तक, पूरा कंप्लीट सेशन 30 नवंबर तक, आपका मैं दोस्त बन के दिखाऊंगा, और देखना जब तुम यहां से जाओगे तो मुझे मिस जरूर करोगे, मुझे पता है। सो मेरी कंपनी भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी, डोंट वरी। लास्ट इज ना, दिस इज कहीं ना कहीं ऊपर से कनेक्टेड ही है, बट होमवर्क जरूरी है बेटा, होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन खुद को जज ही नहीं कर पाएंगे बिना होमवर्क के, कैसे क्या हो पाएगा? सो बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और हम होमवर्क अगले दिन क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं। ऑलराइट, सो गाइस पढ़ाई शुरू की जाए, पक्का? चलो शुरू करते हैं।
सो नाउ पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से एडवांस अकाउंट्स की चलिए लिखिए, लिखना शुरू करिए. सर हमें यह बताओ कि असेट का मतलब क्या होता है. असेट का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसा आदमी है साला, असेट की बात कर रहा है, फाउंडेशन पास करके आए. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय असेट. लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय असेट. आने वाले 4 दिन तक हम बेसिक्स करेंगे, कोई चैप्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान देंगे. सर बेसिक्स में क्या ध्यान देंगे? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है. आपको मैं रियल लाइफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एएस के बारे में अपन कुछ बेसिक्स करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक करेंगे जो आपको फाउंडेशन में कायदे से करवाने चाहिए थे या आपके होने चाहिए तो हो सकता है मे बी ना हुए हो. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय असेट. चलिए आप सबसे शुरू करते हैं. कौन बोलना चाहेगा? सिर्फ हैंड रेस करिए, मैं अपने आप पिक करूंगा. कौन बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय असेट? यहां से कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा. What do you mean by asset? Yes. Anything which will give you future benefit. Okay. हाँ जी. Yes. Wealth. मेरे को नहीं पता wealth क्या होती है. Wealth क्या होती है? क्या wealth? Wealth मतलब property. तो asset मतलब property. चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत बढ़िया. यस, इधर से जल्दी. ऐसी चीज इसमें, बहुत बढ़िया. ओके ओके. हाँ जी, अ थिंग विच हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड मॉनिटरी बेनिफिट्स इन फ्यूचर. ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, मुझे बताइएगा कि वो चीज असेट है कि नहीं. पूछूं? ठीक है ना, आप मुझे जज करके बताइएगा कि आप सर जो चीज पूछ रहे हो वो असेट है कि नहीं, असेट आपके लिए वो असेट है कि नहीं. ठीक है, आपके पास एक टू व्हीलर है, सुनिएगा, आपके पास एक टू व्हीलर है और वो टू व्हीलर पुराने जमाने की, आपके दादाजी के जमाने की है, चलती नहीं है, बस पड़ी हुई है. चलती नहीं है, पड़ी हुई है, पर वो आपकी है क्योंकि आपके ऊपर वाले लोग आपके साथ नहीं, नहीं बस जो था अभी आप हो और आपके पास उनकी अमानत रखी है. क्या है वो? टू व्हीलर है, स्कूटी, और वो चलती नहीं है, बस पड़ी हुई है. बेच क्यों नहीं रहे? नहीं, वो याद आते हैं मेरे को, अपने दादाजी की याद आती है उसको देखकर, मजा आता है. चलाते हैं क्या? नहीं, चलती नहीं है तो रिपेयरिंग, नहीं रिपेयरिंग करवानी है, बस पड़ी रहे, बस पड़ी रहे. विंटेज बोलो, स्कूटी पुरानी असेट हुई कि नहीं? बोलो कितने बच्चे, अच्छा हैंड रेस करके बोलते हैं, कितने बच्चे बोल रहे हैं असेट है? अच्छे से हाथ ऊपर करो, ऐसे टूंडो की तरह हाथ ऊपर मत करना. हाँ, ऑलराइट, कितने बच्चे बोल रहे हैं असेट नहीं है? देखो बीच का ना तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हैंड रेज या तो है नॉट टू रेज, ऐसा होता है बस. कितने बच्चे बोल रहे हैं असेट नहीं है? अच्छे से बेटा, अच्छे से प्लीज. ऑल राइट, इतने बच्चे बोल रहे हैं असेट नहीं है, इनमें से ही मुझे कोई बता दे कि क्यों नहीं है. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, पर मैं उसका ओनर हूं, मैं उसका ओनर हूं. उसने बच्चे ने बोला कंट्रोल, वो स्क्रैप में जाएगा तो स्क्रैप से भी तो फ्यूचर का बेनिफिट मिलेगा ना. 5,000 की बिकेगी, 5,000 बेनिफिट. बोलो, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, उससे क्या आगे उसका जवाब दो. उसकी यूजफुल लाइफ उसकी खत्म हो गई तो किसका मतलब क्या हुआ? एनीबडी एल्स, असेट क्यों नहीं है? सर बस मन किया, बगल वाले ने हाथ ऊपर किया तो मैंने भी कर दिया. हाँ जी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, वही सेम आंसर, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई. अच्छा
तो इससे क्या मतलब हुआ, थोड़ा इंटरप्रेट करके बताओ ना इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, ओके देन हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ओके बिजनेस में यूज नहीं हो रही, अच्छा तो बिजनेस में यूज होना जरूरी है तो ये सेट होगी। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है पर मैं उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं करता, पर मैंने उसको अपने पैसों से खरीदा है, मैंने उसको ऐसे किराए पर चला के रखा है, किराए पर चलाना मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, क्या वो मेरी असेट नहीं हो सकती? हो सकती है। चलो जिन बच्चों ने बोला असेट है उसका कोई लॉजिक, उनके पास क्या लॉजिक? क्योंकि वो हमारी ओनरशिप में है, ओके हमारी ओनरशिप में रिपेयर करके वापस से यूज में ले सकते हैं। नहीं नहीं स्कूटी प्रॉपर्टी नहीं, एसेट है क्योंकि ओनरशिप है। चलो ठीक है, और ओनरशिप के अलावा कोई और रीजन बोलो, अदरवाइज नहीं, स्क्रैप वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, ओके ओके हाँ, तो इसलिए एसेट है। थोड़ी देर पहले आपने कुछ और जवाब दिया था ना एसेट का, चलिए लिखिए सबसे पहले उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले एसेट का डेफिनेशन लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट लिख दिया आपने, चलिए लिखना शुरू करिए। एन असेट मीन्स एनी रिसोर्स विच फुलफिल्स टू कंडीशंस, विच फुलफिल्स टू कंडीशन। रिसोर्स सर क्या होता है? रिसोर्स मतलब कोई भी चीज, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, कोई भी चीज चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। एनी रिसोर्स विच सेटिस्फाइड टू कंडीशन, कंडीशन नंबर वन लिखिएगा नीचे, नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। हम एक एक करके बातें करेंगे, टेंशन मत लो, ये मत सोचना कि सर ने लिखवा दिया तो क्या है ये सब। सेकेंड कंडीशन it is expected to get future economic benefits, it is expected to get future economic benefits। नहीं लिख रहे हो आप, अच्छा कोई बात, हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। हाँ जी, इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। चलिए दो बातें मैंने लिखवाई हैं आपको, अब मैं जो समझाऊंगा वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, क्योंकि अभी हमें लिखना है, हमें एग्जाम में ना अपनी लैंग्वेज भी चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं समझाऊंगा वो लिखवाऊंगा भी, पर कोशिश करके खुद की लैंग्वेज भी यूज करिएगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए सर, पहला पॉइंट आपने बोला कि एंटिटी शुड हैव कंट्रोल, मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सर एंटिटी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम यहां पर जो भी बातें कर रहे हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एम आई राइट मुझे आवाज आनी चाहिए वहां तक, ऑल राइट। सो यहां पर इट शुड बी कंट्रोल मतलब क्या सर, इट शुड बी कंट्रोल मतलब क्या बेटा, कंट्रोल का रेलेवेंस होता है ओनरशिप से, किससे? ओनरशिप से, मतलब कंट्रोल यहां पर होती है ओनरशिप। अच्छा सर मतलब कंट्रोल होगा तो ही हमारी असेट होगी, हाँ जी, मतलब सर ओनरशिप चाहिए, हाँ जी, पर ओनरशिप दो प्रकार की होती है, ओनरशिप दो प्रकार की होती है, एक होती है लीगल ओनरशिप, एक क्या होती है, और दूसरी होती है डीम्ड ओनरशिप। कौन सी होती है? डीम्ड ओनरशिप, लिख लीजिएगा आप साइड में। कंट्रोल का मैं आपको मतलब समझाता हूं, कंट्रोल का जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब आपको लिखना है यहां पर नीचे करके लिखेंगे, कंट्रोल मींस, आप कंट्रोल मींस करके क्या लिखोगे, कंट्रोल मींस इट इज ओन्ड बाय द एंटिटी। Control means it is owned by the entity. Ownership may be legal or deemed.
ओनरशिप में बी लीगल और डीम्ड. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स आपकी डीम्ड और लीगल के. डीम्ड और लीगल. लीगल ओनरशिप तो मतलब भाई कि भाई असेट मेरे नाम पर है, मैं आज असेट खरीद के लाया, इनवॉइस मेरे नाम पर है, प्रॉपर्टी मेरे है, मैंने खरीदा तो रजिस्ट्री मेरे नाम पर है. सर ये डीम्ड ओनरशिप क्या होती है? सर डीम्ड ओनरशिप कोई बता पाएगा? एनीबडी? डीम्ड ओनरशिप अगर किसी ने पहले कभी कुछ सुन के रखा हो कॉन्सेप्ट, तो आप बोलो. पोजीशन किसी और के पास है, ओनरशिप लीगल किसी और के पास है, तो डीम्ड किसकी हुई? जिसके पास पोजीशन है. कैसे? तो वो लीगल होना बेटा, वो डीम्ड कैसे हुई? नहीं, वो फिर अल्टीमेटली बाद में गिफ्ट डीड बना के वो लीगल ओनरशिप ही हो जाएगी, वो फिर लीगल ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी. यस, बोलो बोलो बोलो. हाँ तो क्या अज्यूम, कैसे, थोड़ा एग्जांपल के रूप में. असेट इज गिवन फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, जैसे. वेरी गुड वेरी गुड. लीज पे आ गया भाई, मुझे यही चाहिए था एग्जांपल. यस, आप बच्चा बेटा बोलना चाह रहे थे. ओके अज्यूम. नाउ ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मेरे पास ना कार नहीं है, विशाल सर के पास कार है. विशाल सर ने ना अभी अभी एक नई कार खरीदी है, इलेक्ट्रिक वाली. और जैसे ही वो कार खरीद कर लेके आए, मैंने उनको बोला सर मुझे ये कार किराए पर दे दो, लीज पर दे दो. लीज पर लेना मतलब किराए पर लेना. कार की एक एवरेज लाइफ मान के चलते हैं 10 साल. तो मैंने विशाल सर से बोला सर ये कार मुझे दे दो किराए पर. अब ये मत सोचना सर आपको किराए पर विशाल सर कार क्यों देंगे, अरे वो कमा रहे हैं, सीधी बात है, वो कमा रहे हैं. वो कार लेके आए पर वो कार मुझे किराए पर दे रहे हैं, मैं उनको किराया दे रहा हूं, वो कमा रहे हैं. तो मैंने उनको बोला सर मुझे आप कार दे दो, 10 साल की लाइफ है लगभग. मैंने उनसे 9 साल के लिए कार लीज पर ले ली. कितने साल के लिए? 9 साल. अब मुझे बताइए बेनिफिट्स 9 साल तक कौन इंजॉय करेगा, कौन यूज करेगा? जय सर की विशाल सर. जय सर. विशाल सर ने बोला इंश्योरेंस जय तेरे को ही करवाना पड़ेगा कार का हर साल. अगर कल को कार का कुछ हुआ, ठुक गई, तो तेरे को ही ठीक करवाना पड़ेगा. रिपेयरिंग तेरे को करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस तेरे को करवाना पड़ेगा. तो मुझे बताइए सारे के सारे रिस्क भी किसको ट्रांसफर हो गए? जय सर को. जब कार की लाइफ 10 साल है पर उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जय एंजॉय कर रहा है, उसके मैक्सिमम रिस्क जय के पास है, तो इसका मतलब जय हो गया उस असेट का डीम्ड ओनर. क्या बन गया? डीम्ड ओनर. क्योंकि एक ऐसी असेट जिसकी टोटल बेनिफिट्स 10 साल में होने वाले हैं और 10 साल में से मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम रिस्क जय ने अपने नाम पे ट्रांसफर कर दिया. लीगल ओनरशिप नहीं. विशाल सर ने मेरे नाम पे गाड़ी नहीं की है, गाड़ी विशाल सर के नाम पे ही है, बट उन्होंने मुझे मैक्सिमम रिस्क दे दिया, मैक्सिमम रिवॉर्ड दे दिया, और इस वजह से जय बन गया उस कार का डीम्ड ओनर. कुछ आया समझ में कि नहीं? बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं? इट इज कॉल्ड डीम्ड ओनर. आपने अपने 12th class में या फिर सीए फाउंडेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा शायद, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म. किस किस बच्चे ने सुन के रखा है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म या सब्सटेंस ओवर फॉर्म? बहुत ही कॉमन. जैसे जैसे आप मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ते हो, तो एक था सब्सटेंस ओवर फॉर्म या सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म. कितने, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? एनीबडी कोई एक्सप्लेन कर पाएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब? अच्छा सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है. सब्सटेंस ओवर फॉर्म बेटा ध्यान से सुनना. सब्सटेंस मतलब सच्चाई. करो ऐसे करो. हाँ ये मेरा लेफ्ट हैंड है. हाँ लेफ्ट हैंड से करो. सब्सटेंस मतलब सच्चाई. आप छोड़ दो. राइट हैंड लीगल. लीगल मतलब लीगलिटी. लीगलिटी बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म बोलता है अगर लीगलिटी कुछ और है
और सब्सटेंस सच्चाई कुछ और है, तो अकाउंटिंग हमेशा सच्चाई के बेसिस पर होगी, सब्सटेंस के बेसिस पर होगी, लीगलिटी के बेसिस पर नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, कार किसके नाम पे थी? मेरे एग्जांपल में कार किसके नाम पर थी? तो इसका मतलब लीगल ओनर कौन है? पर कार के मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम रिवॉर्ड किसके पास है? जय सर। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है? जय सर के पास। तो सच्चाई ये कहती है कि कार को ओरिजिनली कोई और यूज कर रहा है, कार है किसी और के नाम पे पर यूज कोई और कर रहा है। तो बताइए यहां पर लीगलिटी कौन है? विशाल सर। और सब्सटेंस कौन है? जय सर। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मतलब सच्चाई हमेशा लीगलिटी के ऊपर आती है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सच्चाई हमेशा लीगलिटी के ऊपर आए, ऊपर देखी जाएगी। मतलब अकाउंटिंग करते वक्त यह देखा जाएगा कि सच्चाई क्या है, आपके अकॉर्डिंग सच्चाई क्या है इस ट्रांजेक्शन में। हु इज द ओनर? अब मैं ओनर बोल रहा हूं, डीम्ड नहीं, लीगल नहीं, अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं ओनर। अब मुझे बताओ असेट किसके बुक्स में दिखनी चाहिए? विशाल सर के बुक्स में कि जय सर के बुक्स में? जय सर के बुक्स में, बिकॉज जय सर इज द लीगल, सॉरी डीम्ड ओनर ऑफ द असेट। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब ये पता चला बच्चों कि असेट होने के लिए लीगल ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। ये लिख लेना हिंदी में अपने पास, लिख लेना ये चीज कि असेट होने के लिए, असेट रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि लीगल ओनरशिप ही हो। सर क्या बात कर रहे हो सर, लीगल ओनरशिप नहीं भी है तो भी असेट रिकॉर्ड करेंगे? हां, AS 19 ये शुरू होता है। मोस्ट वेलकम, नाउ वेलकम टू सी एंटर AS की क्लास। AS 19 का अकाउंटिंग है ये। AS 19 कहता है हमेशा जब भी तुम लीज पर असेट लोगे, जब भी तुम लीज पर असेट लोगे तो ये देखना कि तुम्हारे पास मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये प्रूव होता है कि तुम्हारे पास मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आ रहे हैं तो तुम असेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। शायद तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक वर्ड पढ़ा होगा बैलेंस शीट्स के अंदर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये मत कहियो कि सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सर वो ये ओनरशिप कैसे रिकॉर्ड होगा, ये तो ओनरशिप नहीं है। क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि वो एंटिटी डीम्ड ओनर है। क्या है? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब उसको रेलेवेंस हमने दिया AS 19 से। कुछ आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो ओनरशिप कितने प्रकार की होती है? कौन सी? लीगल और डीम्ड। अगर सब्सटेंस और लीगलिटी दोनों सेम है तो बात ही खत्म ना। अरे यार विशाल सर की कार है, विशाल सर ही यूज कर रहे हैं, किसी को उन्होंने दी नहीं। अब बोलो असेट को कौन दिखाएगा? चलो दूसरा एग्जांपल। विशाल सर की कार है, 10 साल की लाइफ है, विशाल सर ने मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए कार दी है। बोलो हु इज द लीगल ओनर, हु इज द डीम्ड ओनर? भाई मैं 1 महीने यूज कर रहा हूं यार, 1 महीने में कितने बेनिफिट्स मिल जाएंगे मुझे? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या मुझे उस असेट के मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा तुम लोग कहां रह रहे हो? हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो? बोल रहे हो भाड़े पे लिया है? हाँ भाड़े पे लिया है। कितने टाइम के लिए? 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, एग्जाम तक 9 महीने, वॉट एवर। तो क्या तुम डीम्ड ओनर बन गए क्या? क्या तुम लोग डीम्ड ओनर हो क्या उसके हॉस्टल के? बोलो जल्दी। तो क्या तुम्हें एज अ ओनर बनके, डीम्ड ओनर बनके क्या उस प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में दिखाना चाहिए? नहीं। आया समझ में कि नहीं? नाउ गाइस हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? प्लीज टेल मी हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड असेट। तो पहला वाला हमने क्या पढ़ा? असेट के अंदर भी पहला वाला सिर्फ कंट्रोल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? पर कंडीशन सर दो है। सर ओनर तो बन गया, डीम्ड ओनर बन गया, सर कंट्रोल तो है, इसका और क्या रिलेवेंस हुआ? कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि अब मैं कैसे भी इसको यूज करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं इसको यूज करूं, मैं इसको किसी और को किराए पर दूं, मैं इसको सेल करूं, मैं इसको डिस्ट्रॉय करके वापस से बनाऊं, कंट्रोल मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अगर ऐसे राइट्स मेरे पास हैं तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि मेरे पास कंट्रोल है। आया समझ में कि नहीं? पर सेकंड कंडीशन भी है सर। सेकंड कंडीशन क्या लिखी है? जल्दी बोलिए, सेकंड कंडीशन क्या लिखिए? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
सर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कि क्या असेट को यूज करने से, सेल करने से, डिस्ट्रॉय करके वापस से कंस्ट्रक्ट करने से, किसी और को किराए पे देने से, कुछ भी करने से, अपना कंट्रोल चलाने से क्या तुम्हें कोई बेनिफिट मिल सकता है? क्या सेल करने से, यूज करने से, किसी और को किराए पर देने से, एक्सचेंज करने से, ट्रांसफर करने से तुम्हें कोई बेनिफिट मिल सकता है? और तुम्हारा वो बेनिफिट क्या इकोनॉमिक फॉर्म में है, मॉनेटरी टर्म्स में है, फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट मिलता रहेगा? अगर हां तो ये हो जाती है तुम्हारी सेकेंड कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कंडीशन वापस से पढ़ेंगे सब लोग, क्या थी? इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या मुझे असेट से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे? अगर हां तो बिल्कुल ये असेट मेरी क्या है, ये जो पर्टिकुलर आकार है मेरे लिए असेट है। समझा कि नहीं समझा? बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर वो जो आपका पुराना वाला एग्जांपल था वो तो स्कूटी और वो सर उसका क्या हुआ? सर उसके केस में क्या करें सर, वो स्क्रैप वैल्यू तो मिलेगी। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसको बेचने पर मुझे जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है, अब यहां आता है आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल, यहां आता है आपका AS5। हम AS नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बस आज की क्लास में AS से लिंकिंग करवा रहा हूं कि बींग अ स्टूडेंट आपको AS से सोचना कैसे। AS5 कहता है भाई स्क्रैप जो आएगा वो तेरे लिए मटेरियल है क्या? उस स्क्रैप के नाम पर कोई डिसीजन मेकिंग पड़ी हुई है क्या? क्या उसके स्क्रैप के बेसिस पर कोई यूजर डिसीजन लेगा क्या? नहीं, स्क्रैप तो छुटपुटिया अमाउंट है यार। तो वो जो छोटी मोटी चीज है जो स्क्रैप मिल रहा है, दैट इज जस्ट 1% और 2% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट, उसके बेसिस पर तेरी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं बदल जाएगी। तो ऐसे केस में तू उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मत मान। वो जो स्क्रैप तेरे को मिलेगा, वो जो तेरे पास स्कूटी रखी हुई है, अगर तू बेचेगा तो स्क्रैप मिलेगा, वो तेरे लिए छुटपुटी वैल्यू है, इमटेरियल वैल्यू है, तो वो तेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ। इसीलिए द फाइनल आंसर है इसकी, जो मेरे पास ये जो स्कूटी थी, कंट्रोल तो मेरा था, पर क्या मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड थे क्या? नहीं। तो इसीलिए वो मेरी स्कूटी असेट मेरे बुक्स में नहीं होनी चाहिए। कुछ आया समझ में कि नहीं? वापस रिपीट करूंगा, सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस स्कूटी में क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको बनवा नहीं रहा हूं, मैं उसको चला नहीं रहा हूं, हालांकि मैं उसको बेचूंगा भी नहीं, पर अगर बेचूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट 5-6,000 मेरे बिजनेस के हिसाब से इमटेरियल है। सर इमटेरियल मतलब, इमटेरियल मतलब जिसके बेसिस पर मैं कोई डिसीजन मेरा अफेक्ट नहीं होगा। सर डिसीजन कैसा डिसीजन? बेटा हम बैलेंस शीट्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं। अब उस तेरे को एक कंपनी के अंदर एक स्कूटी दिख गई, उसकी 5,000 की स्क्रैप वैल्यू है, तो क्या तू उसके बेसिस पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्या? तेरे को यार है तो है, बात खत्म, उसके बेसिस पर मैं अपना डिसीजन क्या लूंगा? सो इमटेरियल मतलब ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर तुम्हारी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं टिकी हुई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? गाइस हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ असेट? तो मुझे बोलो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? पहला कंट्रोल बाय एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा मैं एक मोबाइल परचेज करके आया आज, मैं आज एक मोबाइल परचेज करके आया, मुझे बताओ ये मेरा एसेट है कि नहीं? वो मैं उसको अपने बिजनेस, प्लीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोचिएगा, बस बोलेगी सर पर्सनल है तो असेट नहीं होगा, मैं उसको बिजनेस यूज कर रहा हूं, बोलिए मोबाइल मेरे लिए असेट है कि नहीं? yes, हाँ yes, पक्का असेट है? yes, क्यों असेट? सर मैं परचेस करके आया तो मेरा कंट्रोल हुआ, मैं चाहूं तो इसको बेच भी सकता हूं, किसी और को यूज करने के लिए दे सकता हूं, मेरी मर्जी। हाँ चलो दूसरा सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो सर इस नाम से मानते हुए मैंने उसको असेट रिकॉर्ड कर लिया, अगले दिन मोबाइल गिर गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, अगले दिन खत्म, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब मुझे बताओ क्या मेरे लिए असेट भी मैं इसको करूं? हो सकता है ये अगले दिन गिर जाए, तो अगले दिन गिर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या मुझे इसको असेट रिकॉर्ड करना चाहिए? वो तो रिपेयर करने के बाद ना, हो सकता है मैं रिपेयर करवाऊं ना, वारंटी खत्म हो गई, वारंटी खत्म हो गई। अच्छा चलो मोबाइल, अच्छा ऐसा है बिल्डिंग, अगले दिन अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग डैमेज,
मैंने बिल्डिंग आज रिकॉर्ड की ये सोचते हुए कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे. अगले दिन अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई. तो कायदे से तो ये असेट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं मिल रहे हैं. अनसर्टन है फिर. करेक्ट, समझ गया तेरी भावना है. बैठ जा. यहां पर वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेड. व्हाट वाज द वर्ड? आई रिटर्न द वर्ड. ध्यान से देखिए सेकंड नंबर कंडीशन. सेकंड नंबर कंडीशन क्या लिखी है? एक्सपेक्टेड. ऐसा लगता है कि बेनिफिट मिलेंगे. अब नहीं मिला तो मैं क्या करूं यार, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, ये मोबाइल गिर गया ना. पर जब तक नहीं गिरा था, जब तक अर्थक्वेक नहीं आया था, तब तक क्या एक्सपेक्टेड था? तब तक क्या एक्सपेक्टेड था? बेनिफिट मिलेंगे. तो वर्ड क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड, मतलब बेनिफिट्स मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं और एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट मिलेंगे. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ऑल राइट. सो ये आपने पहला टर्म लिख लिया. व्हाट इज असेट? बेटा बोलो रे. भूख लगी बेबी को? और रेड टी शर्ट. अभी इसके मुंह से कुछ निकला, ऐसे पेट पर तुमने ऐसे मारा, भूख लगी है, आ जा बर्गर खिलाता हूं. बर्गर खाना है? खिला दूंगा. नहीं, मैं समझ सकता हूँ. इससे याद आया मुझे, जोक सपाट, इससे याद आया मुझे कि अपने साथ में आप प्लीज़ छोटा मोटा कुछ आइटम खाने पीने का रखा करें, और चिप्स चुप्स मत रखना, ठीक है ना? लिटिल हार्ट्स ये सब मत रखना. चिप्स और लिटिल हार्ट्स ये सब नहीं होगा. आप अच्छे कुछ भी ऐसा आइटम लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गया, या कोई भी चीज़ जो घर की बनी हुई हो, वो चीज़ अपने पास रखिएगा. छोटे छोटे डब्बे बनाकर अपने लेके आइएगा, और कोशिश करके अपने दोस्त को मत खिला दीजिएगा, नहीं तो तुम्हें भूख लगेगी. तो ये पूरा तुम्हारे पास काम आएगा. और अगर मेरी क्लास में कोई खाता हुआ पाया गया तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, खा लेना, चलेगा. चलेगा यार, तुम्हें भूख लगेगी तो खाओगे ना यार, प्रॉब्लम क्या है? तो खा लेना, पर एटलीस्ट कोई ढंग की चीज खाना, नहीं तो उसकी तरह ऐसे भूख लगी है. उसको गुस्सा आ गया भाई. अच्छा प्यास लगी है? कुछ नहीं हुआ है, उसका दिमाग खराब हो रखा है. छोड़ दो बस अब मुझे, आज बहुत हो गया. ऑल राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? लिखिए नेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? बेटा आप आईपैड पे तो लिख रहे हो आज के लिए ना? हाँ, इंस्टीट्यूट के आईपैड पे एग्जाम नहीं लेता. व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? चलो अभी लायबिलिटी का सोच के बताओ, क्या होगा लायबिलिटी? यस, जो फ्यूचर में हमें अपनी जेब से देना है. ठीक है, यहां से कोई आवाज आई थी? एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. अच्छा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो लायबिलिटी. सर वो तो प्रोविजन होता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. हाँ व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता क्या है? इसको अगर हिंदी में समझाया जाए कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या, हमें स्टेट बोर्ड नहीं समझ में आता मेरे को. अरे भाई सीधी बात है यार. हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी को तो डिफाइन कर रहे हैं. अच्छा ट्राई मारा, ठीक है मैं समझा. चलो और बोलो. हाँ रुको रे, आगे बैठे हो ना, तो दूसरी चीजों का वो एंजॉय करो, बाकी पीछे वालों को करने दो. हाँ बोलो भाई, बहन बहन भाई नहीं. हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कमेंट नहीं फालतू का, मेरी क्लास में कोई फालतू का कमेंट नहीं. यस व्हेन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज सर्टेन. आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब कुछ पे करना पड़ेगा वो सर्टेन है. सर्टेन मतलब कंफर्म है कि हमें पे करना पड़ेगा, तो वो चीज लायबिलिटी है. ठीक है,
ठीक है, सही बताया वैसे तो, ठीक है। हाँ और कोई? यस मे और मे नॉट बोल रहे हो बेटा? मे नॉट मतलब वो फिर लाइब्रेरी नहीं भी हो सकती, हो भी सकता है नहीं भी, तो वो फिर कॉन्टिजेंट लाइब्रेरी हो सकती है, वो प्रोविजन हो सकता है। हाँ थोड़ा तेज बेटा, और बाकी सब लोग शांत रहे ताकि हमें सुनाई दे। कंपनीज डेट, हाँ डेट, डेट क्या होता है? डेट समझा नहीं, व्हाट इज कंपनीज डेट? कंपनीज डेट भी जब लाइबिलिटी होते ना, तो क्या है वो डेट मतलब क्या? कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो तुम्हारा कहने का मतलब यही हो ना कि जो भी चीज पे करनी पड़े वो लाइबिलिटी? नहीं वो नहीं, जो चीज पे करनी पड़े वो लाइबिलिटी नहीं। चलिए लिखिए 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 मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। कुछ बच्चे यहां लिख रहे हैं ऑब्लिगेशन टू पे समवन, एनी एक्सपेंस मे बी पेड इन फ्यूचर, जिसे पे करने के का हमारे पास ऑब्लिगेशन आता है। चलिए लिखिए लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर आप वही लिखवा रहे हो जो उसने बोला था, तो डेफिनेशन में है पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे अपन। लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। सर रिसोर्सेस माने असेट की डेफिनेशन जाके पढ़ो। सर रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? असेट की डेफिनेशन पढ़ो, शायद समझ में आ जाए। असेट इज वॉट? असेट इज वॉट? एनी रिसोर्स, मतलब वो कहना चाहता है आउटफ्लो ऑफ असेट्स, ऐसी कोई चीज जिससे कहीं ना कहीं असेट्स का आउटफ्लो। सर असेट का आउटफ्लो? बेटा कैश भी तो असेट है। अरे कैश भी तो असेट है, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर रखे, ध्यान से सुनो, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर रखे, क्या मेरे लिए असेट है कि नहीं? है। मैंने इनसे गुड्स परचेज किया और मैंने इनको बोला कि कैश नहीं दूंगा शेयर दूंगा, आउटफ्लो ऑफ असेट हुआ कि नहीं? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ कि नहीं? सो जहां वर्ड लिखा है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, मतलब आपके मन में क्या चलना चाहिए, व्हाट इज आउटफ्लो ऑफ असेट? समझा कि नहीं समझा? अब पूरा पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने? लाइब्रेरी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। रुक जाओ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एरो करके नीचे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब लिखो। पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब लिखेंगे अपन सब लोग। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीनिंग क्या होता है लिखो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग इज मोर लाइकली। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग इज मोर लाइकली, मतलब पे करने के चांसेस हाई है, ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग इज मोर लाइकली, ब्रैकेट में लिखो मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50%, मतलब पे करने के चांसेस 50% से ज्यादा है, तो इसीलिए वो चीज क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वापस से पढ़ते हैं, लाइबिलिटी इज अ मतलब पे करने के चांसेस किससे, क्यों? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट में कुछ कांड करके आया हूं इसलिए आज पे करना है। कांड मतलब परचेज किया ना गुड्स। अरे कांड क्या है? कांड मतलब ऐसे वैसे नहीं, कांड मतलब पास्ट में कोई ना कोई इवेंट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई क्रेडिट परचेस हुआ है, कोई लोन लिया है, और उसके कारण आज मेरे ऊपर मेरे सर पे एक ऑब्लिगेशन है पे करने की। कुछ आया समझ में कि नहीं? मतलब कोई चीज लाइबिलिटी तभी होगी जब पास्ट में कुछ ना कुछ इवेंट हो रखा होगा। सर पास्ट इवेंट समझाओ ना, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप यस नो बोलते जाना प्लीज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या ये पास्ट इवेंट हुआ कि नहीं? टुक अ बैंक लोन,
took a bank loan from company from bank last year. हुआ कि नहीं हुआ? Taking उधार from friend. अरे हुआ ना पास्ट इवेंट? नो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा. अगर हाँ, अगर ये मेंटेलिटी है एंटिटी की, नहीं वैसा वापस ही नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि चांसेस टू पे 50% से कम है. आया समझ में कि नहीं? सो कहीं ना कहीं पास्ट में कोई ना कोई इवेंट हो रखा होगा, कोई ट्रांजेक्शन हो रखा होगा, उसके कारण आज चांसेस बहुत ज्यादा है कि मुझे पे करना पड़ेगा. कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? पे किस फॉर्म में? आउटफ्लो के फॉर्म में. कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा. किस चीज का आउटफ्लो बेटा? सभी बोलो, किस चीज का आउटफ्लो? रिसोर्सेस. और रिसोर्सेस मतलब अपन ने डिफाइन किया था, रिसोर्स मतलब असेट. असेट का आउटफ्लो होगा. सर असेट मतलब क्या? असेट जा सकती है बेटा कैश, शेयर्स, प्रॉपर्टी. मैंने ये बोला कि मैं तो अपना सेटलमेंट करूंगा प्रॉपर्टी के फॉर्म में. बोलो बेटा. तो किसी भी तरीके से रिसोर्सेस का आउटफ्लो होना तय है, या आउटफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, उस चीज को क्या बोलेंगे? लायबिलिटी. बोलो ना बेटा. तो सर लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? है फॉर्मूला? पीओ. पीओ मतलब पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. नीचे लिखो फॉर्मूला, लायबिलिटी का फॉर्मूला. पीओ प्लस आउटफ्लो. आउटफ्लो. आउटफ्लो कैसे? कैश काइंड. पीओ प्लस आउटफ्लो प्लस सर्टेनली मेजर्ड. सर ये तीसरा वाला समझा दो. पीओ तो आपने बता दिया कि भाई मोर लाइकली. पीओ तो आपने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%. आउटफ्लो में समझ में आ गया कि कैश का जा आउटफ्लो होगा या काइंड में होगा. सर ये सर्टेनली मेजर्ड क्या है? कितना होगा ये भी मुझे पता है. कितना आउटफ्लो होगा? 50 लाख पे करने, 60 लाख पे करने, द अमाउंट हाउ मच आउटफ्लो वुड बी देयर, आई नो द वैल्यू. सर्टेनली मेजर्ड. मैं उसको मेजर कर सकता हूं कि कितना आउटफ्लो होगा. सर अगर मेजर नहीं कर सकता हूं तो प्रोविजन. प्रोविजन शब्द सुना है पहले कभी आपने अपनी लाइफ में? प्रोविजन मतलब ऐसी चीज जो एक पीओ तो है, मतलब चांसेस है कि 50% से ज्यादा कि हाँ यार मुझे पे करना पड़ सकता है. चांसेस अच्छे खासे हैं, पे करना पड़ेगा तो आउटफ्लो होगा, पर कितना होगा ये अंदाजा नहीं है. मुझे उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? पर यहां मैंने क्या लिखा है? मेजर्ड कर. मेरा सर्टेन है कितना पे करना पड़ेगा ये भी मुझे पता है, इसलिए वो चीज क्या बन गई? लायबिलिटी. तो बेटा लायबिलिटी का फॉर्मूला बोलो. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, कैश काइंड, और सर्टेनली मेजर. सर्टेनली मेजर मींस हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे, इट इज फिक्स्ड. अगर नहीं याद हो पाएगा तो लिख लेना ये मेरा शब्द. क्या बोला? हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे इज फिक्स्ड. दैट मींस द अमाउंट इज फिक्स्ड. आप शॉर्ट में लिख सकते हो अमाउंट इज फिक्स्ड. यहां लिखोगे अमाउंट इज फिक्स्ड. चलिए जवाब दीजिए. मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज जवाब दीजिएगा. तुम लोग सीए बन गए, तुम में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम जॉब करेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे. ओके फाइन. तुम्हारा पैकेज लगा, तुम्हारा अच्छा खासा पैकेज लगा, स्टार्ट हुआ 30 लाख से, और तुम्हें यह कहा गया कि 30 लाख तुम्हें पर एनम मिलेंगे, बट उसके अलावा तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम पर, तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम पर कंपनी ने यह कमिट किया, कमिटमेंट किया रिटायरमेंट के टाइम पे कि तुम्हें ग्रेच्युटी मिलेगा. रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ग्रेच्युटी, मतलब तुमने इतना अच्छा सर्विस दिया है रिटायर होने के बाद, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेंगे. तो तुम्हें कंपनी ने बोला कि सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा हर साल का, पर जब तुम रिटायर हो जाओगे 60 ईयर्स के हो जाओगे तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे. उसका नाम होगा ग्रेच्युटी. क्या नाम होगा? ग्रेच्युटी देंगे. कितना देंगे? कंपनी ने बोला 30 लाख रुपीज देंगे रिटायरमेंट के टाइम पे, ग्रेच्युटी देंगे. मुझे बताओ कंपनी कब देगी?
अभी तुम्हारे रनिंग जब तुम जॉब कर रहे हो तब कि तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद? मतलब फ्यूचर में क्या फ्यूचर में आउटफ्लो होने वाला है? प्लीज थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ना तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू. तुम्हें तो मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाला है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. आउटफ्लो है कि नहीं? बोलो बेटा. अब मुझे बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है यहां पर? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंपनी की है कि नहीं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%, चांसेस हैं पे करने के. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होती है पास्ट इवेंट से. पास्ट में कंपनी ने तुम्हें क्या दिया? कमिटमेंट. क्या दिया तुम्हें कंपनी ने? कमिटमेंट. तो पास्ट इवेंट क्या था? कमिटमेंट. उसकी वजह से आज कंपनी के ऊपर क्या है? कंपनी के सिर पे क्या है? ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? हाँ, क्योंकि चांसेस सर 100% है चांसेस, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया है. बोलो ना जी. सर 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 सर्टेनली मेजर्ड, सर्टेनली मेजर्ड. कितना? 30. एक्यूरेट 30. बोलो जी. तो ये आपकी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? AS 15 का नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट. एम्प्लॉय को जो भी चीज दी जाती है ग्रेचुटी सैलरी, वो एक लायबिलिटी होती है. और वो चीज यहां पर मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो जो भी आज कंपनी अपनी बुक्स में ग्रेचुटी की लायबिलिटी बनाएगी उसको वो AS 15 के हिसाब से बनाएगी. गाइज आर यू वाइज अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आई होंगी, असेट और लायबिलिटी वाली चीज. मुझे एक बार बच्चों प्लीज रिपीट करके बताओ, असेट में कौन कौन सी चीजें, कीवर्ड्स कौन से थे? कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब ओनरशिप. ओनरशिप कितनी? लीगल. डीम्ड. डीम्ड हो सकती है? हाँ हो सकती है. डीम्ड होने के लिए क्या देखना चाहिए? सोचो क्या देखना चाहिए. मैक्सिमम बेनिफिट कौन यूज कर रहा है, मैक्सिमम रिस्क किसके पास है, ये देखना चाहिए. क्या देखना चाहिए? डीम्ड ओनरशिप देखने के लिए आपको देखना है कि मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम रिस्क किसके पास है. ये वर्ड हिंदी में लिख लेना. डीम्ड ओनरशिप देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? डीम्ड ओनरशिप प्रूव करने के लिए क्या देखना चाहिए? मैं रिपीट कर रहा हूं, डीम्ड ओनरशिप प्रूफ करने के लिए क्या देखना चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम रिस्क किसके पास है. भले उसके पास लीगल ओनरशिप नहीं भी है तो भी चलता. सर जो बोला उसको हिंदी में लिखना है. हाँ अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम से पहले ये समझने के लिए आपकी आपकी अभी ना आपकी आपकी ब्रेन आपका डेवलप हो रहा है इन चीजों को. तो ब्रेन को ना डेवलप करने के लिए लिखो, जितना हो सके लिखो. नहीं तो ये तो ठीक है, समझ तो लोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे कि सर ने वो कौन सा शब्द बोला था. इसीलिए उसको लिखना शुरू करिए. क्या बोला मैंने? डीम्ड ओनरशिप कैसे प्रूव होगी? मैक्सिमम रिस्क और बेनिफिट्स मतलब रिवॉर्ड. बेनिफिट मतलब रिवॉर्ड. रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है? भले उसके पास लीगल ओनरशिप नहीं भी है तो चलता. समझा? और दूसरा असेट के अंदर दूसरा क्या था? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किस फॉर्म में? सेल कर सकता हूं तो पैसा आएगा, यूज करूंगा तो सेल बढ़ेगा. अरे यूज करूंगा तो प्रोडक्शन होगा. मान लो मशीन है, मशीन को यूज करूंगा तो क्या होगा? गुड्स प्रोड्यूस होंगे. गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो गुड्स बिकेंगे. गुड्स बिकेंगे तो क्या बढ़ेगा? रेवेन्यू. आया समझ में कि नहीं? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किस फॉर्म में होंगे? या तो डायरेक्टली असेट को सेल करने के फॉर्म में, या तो यूज करने के फॉर्म में. कुछ आया समझ में कि नहीं? चलिए नाउ टेल मी, लायबिलिटी में हमने क्या क्या सीखा? लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब चांसेस टू पे आर मोर लाइकली, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%. गाइस अंडरस्टूड ऑर नॉट? सर अगर प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% देन इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. अगर चांसेस 50% से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को सर बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं AS 29. क्या करते हैं? मैं AS आप बस सुनते जाओ, AS का रेलेवेंस है बस. मैं आपको जो आप देखो ये जानते तुम भी थे, ऐसा नहीं नहीं मैंने कुछ तुम्हें तूफान बताया है. बस आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना उसको AS से कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा साला ये जो पढ़ा था ये कोई ना कोई किसी ना किसी AS से कनेक्टेड है. सो अगर प्रोबेबिलिटी अब आपका काम होता है शुरू यहां से लिखने का. जय सर ने क्या बोला? अगर प्रोबेबिलिटी 50% से कम है तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुई नहीं,
क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी 50% से कम है तो वो लायबिलिटी नहीं, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है। बैलेंस शीट के बाहर मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, मतलब उसकी एंट्री नहीं होती, जर्नल एंट्री नहीं होती, उसको सिर्फ बैलेंस शीट के बाहर लिखा जाता है, बताया जाता है कि ना ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है पर चांसेस कम है। AS-29 ऐसा कहता है, पर आपको भी AS-29 का नाम नहीं लिखना। दिस एग्जाम्पल आई एम कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ AS ओनली। जब जब AS पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सर वो आपने बोला 27 AS, आपने AS-29 का नाम लिया, मैंने बोला था कि 2 AS डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। हाँ यस, नहीं करते। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करते, कॉन्टिंजेंट असेट भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। हाँ जी यस, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? अच्छा सुनो एक सेकेंड ना, तुम ना पहला दिन है तुम लोगों का, मैं ना इसे हाथ ऊपर करूं तो मेरे हाथ को मत देखना, एक्चुअली तुम लोग स्क्रीन पर देखो तो मेरा उस पर जाएगा, उंगली जाएगी उस पर, ठीक है ना। तुम लोगों को बोलोगे इधर किधर देख रहा है ये। तो पॉइंट ये है कि वो ऑनलाइन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे करने वाला हूं तो इसका मतलब मैं बस बोल रहा हूं कि इस पर देखो, मतलब स्क्रीन पर देखो। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? दूसरा क्या चाहिए? किस चीज का आउटफ्लो? रिसोर्सेस। पर हमारा मन जानता है कि रिसोर्सेस मतलब क्या होते हैं? असेट। पर हम लिखेंगे नहीं, हमारा मन जानता है कि रिसोर्सेस मतलब असेट होता है पर हम लिखेंगे रिसोर्सेस, समझा कि नहीं? हाँ जी, रिसोर्सेस कैसे जा सकते हैं आपके? कैश में या काइंड में। काइंड में आप शेयर लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल शेयर। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तीसरा क्या होना चाहिए? सर्टेनली मेजर मतलब अमाउंट इज फिक्स्ड। सर एक बार सर प्लीज आप हमें ये बताओ कि सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सर प्रोविजन मतलब क्या होता है? फॉर्मूला पीओ प्लस आउटफ्लो प्लस, बस यहां सर्टेनली मेजर है ना, यहां कुछ और आएगा अनसर्टेन, तो उसको कुछ और शब्द बोले, एस्टिमेशन। क्या बोलेंगे? एस्टिमेशन। सर एस्टिमेशन मतलब अंदाजा, बिल्कुल अंदाजा कि कितना अमाउंट जा सकता है, कितने अमाउंट का या कितनी वैल्यू का शेयर, कितनी अमाउंट ऑफ कैश जा सकता है। सर अगर उतना नहीं गया तो? हाँ, तो ऊपर नीचे प्रोविजन प्लस माइनस होते रहते हैं, प्रोविजन में बदलाव होते रहते हैं। अगेन AS-29। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? असेट लायबिलिटी मतलब समझ में आ गया? बोलो बेटा क्लियर? ऑल राइट। आगे बढ़ने से पहले इनकम एक्सपेंस भी मुझे बताना है, इनकम एक्सपेंसेस और इक्विटी ये सब बताना है अभी मुझे। वो बातें करने से पहले मैं कुछ दूसरी अकाउंट रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब, बोलिए। नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम नॉट आस्किंग द इंटरप्रिटेशन। चलो सिंपल कर देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आता है। पहला क्या आता है? बैलेंस शीट। सुनिएगा, इंडिया में हम उसको नाम बोलते हैं बैलेंस शीट। जब आप यूके में देखोगे, आप बाहर जॉब करोगे, तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट आपको क्या देती है। अब इंटरप्रिटेशन बोलो, बैलेंस शीट क्या बोलती है? बैलेंस शीट से आपको किसी भी कंपनी की पोजिशन पता चलती है। क्या पता चलती है? पोजिशन। सर पोजिशन मतलब औकात। क्या? औकात। समझा कि नहीं? चलो दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? पहला क्या था? बैलेंस शीट। दूसरा
सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आज के बाद हम पीएनएल अकाउंट नहीं बोलेंगे क्योंकि पीएनएल अकाउंट नहीं होता. आपका कंपनीज एक्ट के अंदर पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, लेजर अकाउंट नहीं बनता, पीएनएल का स्टेटमेंट बनता है. तो हम उसको बोलेंगे एसपीएल, शॉर्ट में एसपीएल. फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल. क्लियर है कि नहीं? बोलिए जी. ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. क्या आती है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जिसको कई लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. आया समझ में कि नहीं? अच्छा जी, सर लिखना, लिखवा दो सर, मुझे लिखवाना है आपको. ये लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, लिखते जाइए, कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं. इनकम एक्सपेंस उसके बाद भी लिख सकते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, पहला बैलेंस शीट, बैलेंस शीट. ऑनलाइन बच्चे भी अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं, देते जाइएगा बेटा प्लीज. चैट में आप करते जाइएगा, मैं बीच बीच में आपका देख रहा हूं. बैलेंस शीट, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग के आइटम और पीएनएल के आइटम दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना? जब तुम फाउंडेशन में थे या तुमने अगर बीकॉम में कोई फाइनल अकाउंट्स किया होगा प्रोपराइटर का, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, पीएनएल अकाउंट अलग बनता था. बट कंपनीज का ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं बनता, पीएनएल अलग नहीं बनता. कंपनीज का एक ही चीज बनता है, क्या बनता है? वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आया समझ में कि नहीं? कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकलता है. चलिए थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. चौथा, नोट्स अकाउंट्स तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड, चलो लिख लो. किसी एक दो बच्चों ने बोला चेंजेस इन इक्विटी, उस पे आऊंगा मैं. लिखो चौथा, नोट्स टू अकाउंट्स कॉमा, उसको पूरा मुझे लिखवाना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. नोट्स टू अकाउंट्स कॉमा एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. हाँ, बोलने पर सिर्फ आता है नोट्स टू अकाउंट्स, पर इसका मतलब उसके अंदर आता क्या क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. सर तीनों का मतलब समझा दो प्लीज. यस, पहला क्या है बेटा? पहला क्या है बेटा? नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? सुनो, अगर एक कंपनी के अंदर, अगर एक कंपनी के अंदर, अरे यार कंपनी के अंदर क्या, तुम देखो, सुनो मत, तुम देखो, रुक जाओ. यस, एनुअल रिपोर्ट. किसकी एनुअल रिपोर्ट है? रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो एनुअल रिपोर्ट है, ये अभी की नहीं है, 15-16 की है, क्योंकि 15-16 के बाद रिलायंस कंपनी ने इंडेस बनाना शुरू किया था. 15-16 तक उसके ऊपर एएस लगते थे, क्योंकि 2015 में इंडेस आ गए थे, तो ये 15-16 की है. हालांकि उसके बाद मेरे पास रिलायंस की अभी 22-23 की अभी बिल्कुल नई नई मस्त मस्त ताजी ताजी भी बैलेंस शीट है, पर पहले अपन बात करेंगे ये वाली. तो ये आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट है. अब आप सामने देखो, यस, यहां पर अपन चलेंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर अपन चलेंगे, यस, रिलायंस की सबसे पहले फिक्स एसेट के अंदर पहली चीज क्या आ रही है? टेंजिबल असेट. टेंजिबल असेट बेटा कितना है रिलायंस का? 91,477. एक्चुअली में जब हम एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, नोट सबको मिल गए? बोलो ना, नोट सबको मिल गए क्या? नहीं मिले, कोई बात नहीं. नोट्स अगर जिसको मिले होंगे प्लीज ना, नोट्स दो मिनट, एक बार प्लीज 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 नोट्स निकालो प्लीज. सर जो तीसरा, नोट्स में तीन हिस्से थे, तो नोट्स का जो तीसरा वाला हिस्सा था,
तीसरा वाला चार्ट्स के बाद वाला प्लीज वो निकालिए सर, आप हमें बोर्ड पे दिखा दो। हाँ फोर टू ये क्या बोलते हैं 2.1, उसमें 2.3 पे आ जाओ, 2.3 पे आ जाओ। आपको सामने स्क्रीन पर देखिए सब लोग, आपको सामने राउंडिंग ऑफ करके दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या राउंडिंग ऑफ? बोलो जी राउंडिंग ऑफ दिख रहा है क्या? अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे है तो उसको सारे फिगर्स राउंड ऑफ करने पड़ेंगे, या तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में या तो नियरेस्ट, आप लोग बोलो ना थोड़ा थोड़ा यार, नियरेस्ट या तो नियरेस्ट या तो नियरेस्ट, बस अगर उसका टर्नओवर कितना हो, कितना हो 100 करोड़ से कम हो तो वो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट वापस, या फिर बट सर रिलायंस का 2 करोड़ में दिख रहा है, चलो नीचे आओ। अगर उसका टर्नओवर बोलो कितना हो 100 करोड़ या उससे ज्यादा तो वो नियरेस्ट फिर 100 नहीं कर सकती, 1000 नहीं कर सकती, शुरुआत करेंगे बोलो लैक्स मिलियंस, मिलियन मतलब 10 लाख, 1 million इज इक्वल टू 10 लाख या फिर करोड़। तो रिलायंस ने क्या चूज किया, हम करोड़ में दिखाएंगे, समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा सर राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है, मैंडेटरी है कि राउंडिंग ऑफ ना करें? टेल मी राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी है कि नहीं? अगर रिलायंस चाहे कि मुझे कोई लैक्स मिलियन करोड़ में नहीं, मैं पूरे 0000000 दिखाऊंगा। मेरा एक सवाल है, मैंडेटरी है कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है? मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ जी सॉरी, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कैसे बचेगा? राउंड ऑफ कर दिया तो भाई पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं ना? हाँ तो वो डिफरेंस जो आता है वो बहुत ही माइन्यूट सा आता है माय डियर, वो बहुत ही डिफरेंस माइन्यूट सा आता है, अभी हम देखेंगे ना कुछ कुछ पॉइंट में होंगे उसके। चलिए वापस आते हैं रिलायंस पे। यस तो मुझे बताइए रिलायंस की टेंजिबल असेट, रिलायंस की टेंजिबल असेट कितनी है? 91,000। पर अगर आपको यह जानना है कि सर हमें यह बताओ 91,477 करोड़ में क्या क्या अवेलेबल है, कि इसके अंदर क्या है, तो आपको इसके अंदर यह क्या दिख रहा है 10 मतलब क्या है सर? 10 मतलब नोट, नोट मतलब नोट्स टू अकाउंट, मतलब इसका मत, अरे यार पहले सुन लेना प्लीज ध्यान से, नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है माय डियर जब आप बैलेंस शीट में किसी अमाउंट को एग्रीगेट करके दिखाते हो। आप जानते हो ना ये 91,477 कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से मिलके एग्रीगेट होकर रखा होगा। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है डिसएग्रीगेशन करना। आप 10वें नंबर नोट पे जाइए तो उस 91,477 का डिसएग्रीगेशन मिलेगा कि इस 91 के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डिसएग्रीगेशन करना। क्या करना? डिसएग्रीगेशन। क्या 91,477 एक एग्रीगेटेड वैल्यू है, हाँ या नहीं? चलो चलते अपन नोट नंबर 10 में, क्योंकि उन्होंने नोट नंबर 10 बोला है तो अपन नोट नंबर 10 देखें। सर ये तो पीएनएल हो गया, ये तो कैश फ्लो हो गया, ये कैश फ्लो चल रहा है। हाँ मैंने कुछ नाम लिया था, कुछ लिखवाया था आपको, कुछ नाम लिखवाया था कि नहीं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग में आऊंगा, इसके उस पे आऊंगा, पहले अपन नोट्स और अकाउंट्स में देखते हैं। नोट्स आ गए, नोट्स पर ये नोट नंबर अभी कौन सा है, पर हमें कौन सा चाहिए? 10। सर 10 पे चलते हैं, आ गया 10, नोट नंबर 10 आ गया। 10 नंबर नोट में क्या था? टेंजिबल। टेंजिबल में सर, टेंजिबल में सर क्या था? 91 था ना सर? बोलो ना बेटा, 91 था सर, 91,464 ये वाला फिगर था आई थिंक। बोलो ना जी सर, इसकी पूरी की पूरी शुरुआत हमें मालूम पड़ जाएगी। अच्छा रिलायंस के पास पहली चीज क्या है सर? लीज होल्ड। सर कौन सी ओनरशिप होगी? डीम्ड की, लीगल डीम्ड ओनरशिप, समझ में आया? सेकंड सर फ्री होल्ड मतलब जो लीज पे नहीं है, जो खुद की ओनरशिप है, मतलब कहीं ना कहीं सब्सटेंस भी वही, लीगलिटी भी वही, फ्री होल्ड ओनरशिप। समझा कि नहीं समझा? और क्या रिलायंस के पास? और क्या रिलायंस के पास? और क्या रिलायंस के पास? और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है?
ये तो मुकेश अंबानी का खुद का ही होगा, ठीक है। और लीज द सेट्स, और क्या है लीज में, और क्या है शिप्स। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। सर उसके बाद क्या शुरुआत होता है? इनटेंजिबल असेट AS 26। AS सर ऊपर क्या था? AS 10। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर ये क्या है बेसिकली? 91477 का डिसएग्रीगेशन है, ये सब बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो ना जी। सर शुरू से बताओ, ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग में कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेस सेल कितना हुआ, परचेस एडिशन डिडक्शन सेल, फिर क्लोजिंग कितना हुआ विदाउट एनी डेप्रिसिएशन क्योंकि वो ग्रॉस है, फिर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया, पहले से ही कितना था कितना ड्यूरिंग द ईयर लगाया गया, फिर लास्ट में नेट ब्लॉक कितना बचा। कुछ आया समझ में कि नहीं? सर दो दो क्यों है, एज ऑन 31st March 16 और एज ऑन 31st March 15? कंपैरिजन के लिए। सर इसको क्या कहेंगे? सर ये बैलेंस शीट है आपके सामने, ये बैलेंस शीट दिख रही है आपके सामने बेटा, इसको कहेंगे फेस। क्या कहेंगे? फेस मतलब मेन बैलेंस शीट सामने। सर फेस के अंदर भी दो दो है, दो दो क्यों है? सर एक तो करंट ईयर है, बोलो ना बेटा, और एक दूसरा कौन सा है? प्रीवियस ईयर को प्यार से बोलेंगे कंपैरेटिव। क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव। प्रीवियस ईयर को प्यार से क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव। सर क्यों देना है ये कंपैरेटिव? कंपैरेटिव से क्यों दिया है? नाम ही बोल रहा है, क्या करना है? कंपैरिजन करने के लिए कि कितनी ग्रोथ हुई या कितना रिडक्शन हुआ। समझ में आया कि नहीं? बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय नोट्स टू अकाउंट्स, क्या बोलोगे? डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स। क्या बोलोगे? तो आपको तो लिखना चाहिए कायदे से। अभी मैंने नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब समझाया आपको। सो व्हाट डू यू मीन बाय नोट्स टू अकाउंट्स? नोट्स टू अकाउंट्स मींस डिसएग्रीगेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिसएग्रीगेशन बेटा, एग्रीगेशन मतलब टोटल सबको कंबाइन करना, डिसएग्रीगेशन मतलब जो टोटल किया हुआ है उसको अलग अलग उसकी चीज को दिखाना कि उस टोटल के अंदर क्या क्या आइटम है। डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ समझा बेटा? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। दूसरी चीज क्या लिखवाई थी नोट्स के अलावा, क्या लिखा था आगे? वो पूरी एक लाइन क्या थी? एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। सर ये क्या होता है? सर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन, किस चीज का एक्सप्लेनेशन? बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन, P&L के अंदर जो अमाउंट लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन। तो लिखो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन को एक स्टेटमेंट में लिखो, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन मींस प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। लिखो बेटा, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन मींस प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट decisions can be taken, so that decisions can be taken properly. सर decision किसको लेने का है? decision किसको लेने का है? हमारी बैलेंस शीट को कौन देखने वाला है? इन्वेस्टर ना, तो डिसीजन कौन लेगा? इन्वेस्टर। भाई समझ में कि नहीं? सर और कोई होगा क्या डिसीजन लेने वाला इन्वेस्टर के अलावा? इन्वेस्टर के अलावा डिसीजन लेने वाला कोई और हो सकता है क्या? कौन? बैंक्स, जिनसे लोन लिया है। वो भी तो देखेंगे कि भैया क्या कर रहे हो तुम, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं। समझा कि नहीं?
shareholders, investors, creditors, customers, banks, governments, these all are taking decisions based on my balance sheet. आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो बेटा. All right. ये मैंने क्या लिखवाया आपको? Second. Explanatory information. सर तीसरा. तीसरा क्या था? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. अच्छा जी, हाँ अभी बात करते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. कोई बताना चाहता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी? यस बेटा. कोई WDV मेथड फॉलो कर रहा है तो वो मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया. और ये आपने एग्जांपल दिया, ठीक है. और यस चेंजेस हो तो, या फिर जो उनका हम मेथड फॉलो कर रहे हैं. चेंज अलग होता है, मेथड अलग होता है, दोनों चीजें. ठीक है. सॉरी, रूल्स एंड मेथड्स फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल. फॉर एग्जांपल, नहीं बेटा. अच्छा, फाउंडेशन में एक चैप्टर था इन्वेंट्री. डायरेक्ट एंट्री वाले बोलेंगे सर हमसे भी तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करो कुछ. ठीक है ना यार, आप सुनो, आपको जब समझ आएगा. मैं जस्ट एक चीज पूछ रहा हूं. इन्वेंट्री करके था, अरे बीकॉम में भी था इन्वेंट्री करके चैप्टर. इन्वेंट्री को वैल्यू करने के तरीके थे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज. याद है कि नहीं? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज. तुम लोग फॉलो कर रहे हो फीफो, ये लोग फॉलो कर रहे हैं लीफो. कौन सही है? चलो, फीफो और ये लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज. कौन सही है? दोनों सही है. फिर कौन सा बेटर हुआ? एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है. पर तुम्हारी पॉलिसी क्या है? फीफो. तुम्हारी पॉलिसी क्या है? वेटेड एवरेज. मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है? दिखानी पड़ेगी ना सिग्निफिकेंट में. बोलो ना बेटा. वो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि फीफो के कारण क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और वेटेड एवरेज के कारण क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में चेंजेस हो रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? और नेट प्रॉफिट में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं. इसीलिए वो पॉलिसी कौन सी हुई? सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, मेजर. आई बात समझ में कि नहीं? सो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिखिए. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में लिखिए. द मेथड्स ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिखवा रहा हूं मैं आपको. द मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनी असेट. द मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनी असेट, ब्रैकेट में लिख देना. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री वैल्युएशन. The methods of measuring any asset. Example लिख देना, inventory valuation. Example close, मतलब bracket close. Measuring any, क्या लिखा? Asset. Or methods of measuring any asset. Or recognition of any income or expense. मैंने बोला मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनी असेट और रिकग्निशन ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंस. रिकग्निशन ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंस. इनकम को कैसे रिकग्नाइज करना है, उसका भी एक मेथड हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करूंगा जब मुझे वो कैश में मिलेगा, नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा. तो दिस इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द इनकम ना. आई एम फॉलोइंग दैट वन, यू आर फॉलोइंग. नहीं नहीं, मैं तो एक्रूअल बेसिस पे करूंगा. मैंने बोला मैं कैश बेसिस पे करूंगा, ये भी तो पॉलिसी हुई. आई बात समझ में कि नहीं? सो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम और एक्सपेंस. पूरा पूरा बोलो, क्या बोला था मैंने? द मेथड्स ऑफ मेजरिंग एनी असेट. एग्जाम्पल में क्या लिखवाया? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. और मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी इनकम और एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख लो. कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस, ब्रैकेट में लिखो. कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. इज नोन एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी.
बेटा समझा कि नहीं? ये देखिए रिलायंस की ना अपन एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज देखते हैं. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है. पहला क्या पॉइंट लिखा है? अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक पॉइंट पढ़े, पर हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे. एएस से रिलेट जो करना है अपने को समय समय पर पढ़ते रहेंगे. तो इसमें ना एक मेथड चेक करते हैं. चलिए अपन करते हैं लीजेस पे. क्या लिखा है इसने? लीजेस, ऑपरेटिंग लीज. क्या लिखा है इसने? रेंटल्स आर एक्सपेंस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, एएस 19. ये बोल रहा है जब भी मेरे को रेंट आता है ना, सुनना स्ट्रेट लाइन का मजा आएगा बहुत सुन के. अगर आप थोड़ा सा रफ में कुछ लिख सको तो प्लीज मेरे को हेल्प हो जाएगी. एंड कैलकुलेटर है आपके पास क्या? ठीक है. सो ना आप लिखिए कि 4 साल का मैंने असेट किराए पर लिया, असेट टेकन ऑन रेंट फॉर 4 ईयर्स, असेट टेकन ऑन लीज फॉर 4 ईयर्स, असेट टेकन ऑन लीज फॉर 4 ईयर्स, असेट टेकन ऑन लीज फॉर 4 ईयर्स, जिसमें ईयर वन का जो रेंट होगा That is 5 lakh, ईयर 2 का रेंट जो होगा वो 6 lakh, ईयर 3 का जो रेंट होगा वो 750, और ईयर 4 का जो रेंट होगा वो 8 lakhs. 4 साल बोले थे मैंने, 750 और 8 lakhs. इन सबको करो टोटल 2650. डिवाइड करो 4, क्योंकि 4 साल है. डिवाइड करो 4, करो तो सही यार एक बार. मैं सब बता दूंगा, करो एक बार. 6,62,500. रिलायंस कह रहा है कि हम जो जो हमने असेट लीज पर ली हैं, हम हर साल रेंटल पे भले कुछ भी करें, भले पहले साल 5 लाख पे करेंगे, भले अगले साल 6 लाख पे करेंगे, पर हम हर साल P&L में कितना कितना दिखाएंगे? 662,500 स्ट्रेट लाइन बेसिस पर. 662,500. अरे पे मैं पहले साल 5 करूंगा, पर मैं एक्सपेंस कितना दिखाऊंगा? थोड़ा तेज बोलो बेटा प्लीज. मैं अगले साल पे कितना करूंगा पर एक्सपेंस कितना दिखाऊंगा? मैं अगले साल पे कितना करूंगा? 750 पर दिखाऊंगा कितना? फिर मैं पे कितना करूंगा पर मैं दिखाऊंगा कितना? सर वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल. ये नाम सुना सुना लगता है. मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल, यस यस यस. इनकम फॉर द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस. मतलब जितनी तुम्हें इनकम हो रही है उसी से तुम्हें एक्सपेंस उतने के बराबर के मैच करके चलने पड़ेंगे. नहीं सर आप आसान भाषा में समझाओ. सुनो एक असेट प्रॉपर्टी में लीज पर लेके आया. अरे रुक सुनो यार, मैं एक ये रूम मान लो मेरा लीज पर है. मैंने किराए पर लिया ये पूरा हॉल, ठीक है. मैं इस हॉल को पहले साल भी यूज करूंगा तो इतने ही बच्चे होंगे, दूसरे साल भी यूज करूंगा तो इतने ही बच्चे होंगे, तीसरे साल भी यूज करूंगा तो इतने ही बच्चे होंगे, चौथे साल भी यूज करूंगा तो इतने ही बच्चे होंगे. क्या मैं कह सकता हूं कि इस हॉल को मैं सेम कैपेसिटी पे यूज कर रहा हूं हर साल? मतलब सेम लेवल पे यूज कर रहा हूं मुझे हॉल से. मैं कह सकता हूं कि मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बोलो बेटा जल्दी बोलो. मैं पहले साल भी इतनी भीड़ पढ़ा रहा हूं, अगले साल भी मैं इतने ही बच्चे पढ़ा रहा हूं, तीसरे साल भी मैं इतने ही बच्चे पढ़ा रहा हूं, चौथे साल भी मैं इतने ही बच्चे पढ़ा रहा हूं, और जब कैपेसिटी फुल पे चल रहा है मैं इतने ही बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इस हॉल से जो बेनिफिट है वो हर साल इक्वल इक्वल मिल रहे हैं. और अगर मुझे बेनिफिट इक्वल मिल रहे हैं तो मुझे खर्चा भी तो हर साल इक्वल दिखाना चाहिए. पे मैं कितना भी करूं वो तो एग्रीमेंट हुआ है, ऑन एन एवरेज मुझे खर्चा कितना दिखाना है? 662,500. इट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल. आया समझ में कि नहीं? तो अब रिलायंस क्या बोल रहा है? रिलायंस बोल रहा है कि भाई हम जो अपने रेंटल पे करते हैं ना, हम उसको किस बेसिस पे दिखाते हैं? ये उसकी पॉलिसी है कि हम स्ट्रेट लाइन पे. तो इससे मतलब क्या समझ में आता है? कहीं ना कहीं रिलायंस को बेनिफिट क्या मिलते होंगे? इक्वल. अरे समझा कि नहीं समझा?
दैट इज AS19. AS19 बोलता है कि हमेशा अगर आपको बेनिफिट इक्वल मिलते हैं तो आपको बेनिफिट आपको एक्सपेंस भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे दिखाना चाहिए. कुछ आया समझ में कि नहीं? किसी और की क्या पॉलिसी हो सकती है? यहां वो लिख देता ऑन अ एक्चुअल पेमेंट बेसिस. चलो बोलो ये इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल पेमेंट बोलो. अभी अगर ऐसा लिख देता तो उसकी पॉलिसी बदल गई. पॉलिसी बदल गई इसका मतलब अब मुझे बताओ वो पहले साल कितना खर्चा दिखा रहेगा होगा? 5 लाख. वो दूसरे साल कितना खर्चा दिखा रहा होगा? 6 लाख. तीसरे साल कितना दिखा रहा होगा? 7.5 लाख. चौथे साल कितना खर्चा दिखाएगा? 8 लाख. ये उसकी पॉलिसी बदल गई. आया समझ में कि नहीं? सो ये उसको बताना पड़ेगा रिलायंस को यूजर्स के सामने कि भाई देखो मेरी पॉलिसी ये है. अब बताओ 5 लाख दिखाऊं या फिर 662 दिखाऊं, दोनों के कारण प्रॉफिट सेम आएगा कि प्रॉफिट बदलेगा? बोलो ना बेटा, बदलेगा. प्रॉफिट बदलेगा तो किसको फर्क पड़ेगा? कंपनी नहीं, किसको फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को, डिसीजन मेकर को. समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए क्या इसको दिखाना जरूरी है? सो लोगों को बताना जरूरी है, तभी हम इसको नोट्स और अकाउंट्स के साथ दिखा रहे हैं. समझा कि नहीं समझा? बोलो ना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो वापस से बोलेंगे शुरू से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है जल्दी बोलो. बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स और अकाउंट्स. खाली नहीं होता. नोट्स और अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन. एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्या होना? एडिशनल इंफॉर्मेशन देना जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके. समझा कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या लिखवाया आपको? क्या ये क्या चार चीजें क्या किस चीज की लिखवाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या लिखवाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के. लिखिए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं. पहला पहला बोर्ड पे देखो, पहला क्या लिखा है? स्टैंड अलोन. द फर्स्ट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये रिलायंस का है. स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरा, सेकेंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, सर स्टैंड अलोन मतलब, दोनों में क्या अंतर? मैं कुछ नए बच्चों को ढूंढना चाहता हूं. हाँ बोलिए बेटा, थोड़ा तेज बस. जो लोन ना बेटा ना. हाँ नहीं, तेरे को पता है, मैं तेरे को जानता हूं, तेरे को पता है, रहने दे तू. हाँ नहीं ना, हाँ वेरी गुड. स्टैंड अलोन मतलब रिलायंस सिर्फ खुद का. रिलायंस का, रिलायंस कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की असेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लाइबिलिटीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट इनकम्स, एक्सपेंसेस वगैरह. पर अगर मैं बोलूं कंसोलिडेटेड तो रिलायंस की इनकम और रिलायंस के ग्रुप में जितनी भी उसकी ग्रुप कंपनीज हैं. ग्रुप कंपनी समझते हो? रिलायंस की छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिसमें रिलायंस ने पैसा लगा के रखा है. कंट्रोल रिलायंस कर रहा है, चला उनको रिलायंस रहा है, पर वो रिलायंस की सब्सिडरी है, मतलब उनके बच्चे हैं. तो उनकी कंपनीज, इसके अलावा और क्या होना था ग्रुप में? उनके एसोसिएट कंपनीज, उनकी ज्वाइंट वेंचर्स. तो उन सबकी मिलाकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल. आया समझ में कि नहीं? सर इसको सिंपल फॉर्म में लिखवा दो. स्टैंड अलोन के बगल में लिखो, स्टैंड अलोन के बगल में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटी. सिंगल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटी. सिंगल एंटिटी मतलब, एंटिटी मतलब कंपनी, एक कंपनी सिंगल एंटिटी अकेली उसी के. अच्छा तो सर कंसोलिडेशन के बगल में लिखो, कंसोलिडेशन के बगल में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप कंपनीज. ग्रुप कंपनी मतलब एक सिंगल नहीं, सभी आ गई उसमें, ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं. समझा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ. चलो आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप कंपनी. समझा कि नहीं समझा? ऑल राइट. तो कितने प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? कौन कौन से? स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड. सर स्टैंड अलोन को कुछ लोग, कभी आपको नाम बदला हुआ मिलेगा, कुछ लोग बोलेंगे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी वो क्या बोल रहे हैं? स्टैंड अलोन. नाम क्या मिलेगा? इंडिविजुअल. दूसरा नाम मिलेगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी वो क्या बोल रहे हैं? स्टैंड अलोन. नाम अलग अलग मिलेगा पर जो मेन नाम होता है वो स्टैंड अलोन होता है. क्या दो मैंने बोले अलग अलग नाम? स्टैंड अलोन के ही दो. दूसरे नाम क्या बोले? इंडिविजुअल या फिर सेपरेट. समझा क्या? चलिए ठीक है. हाँ ये कितने, ये मैंने क्या करवाया आपको, कितने प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड. सर ये जो रिलायंस अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी दिखा रहा था, सर ये जरूरी है क्या? अगर ये हम ना दिखाएं तो? बच्चों बताओ रे, ये जरूरी है क्या? सर कहां लिखा है? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. AS1 बोलता है आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो माना जाएगा कि आपने अकाउंटिंग, आपने अच्छे से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से नहीं बनाया, AS के तरीके से नहीं बनाया. समझ में आया कि नहीं? सर ये क्या है? पढ़ो. सर कौन है इसका ऑडिटर? दिखाओ. सर कौन है इसका ऑडिटर? डिलॉइट हैस्किंग्स एंड सेल्स LLP. सर और कौन है? सर अच्छा, सर और कौन है? सर इतनी बड़ी कंपनी की, इसके मल्टीपल ऑडिटर्स हैं. हाँ समीर, वो भी ये पुरानी वाली. सर अभी के कौन है? सर ये रिलायंस की अभी की बैलेंस शीट, ये रिलायंस की अभी की. एक सेकंड रुक जाइए. यहां आ नहीं पाया है शायद, ये नोट्स ही डाउनलोड हो पाए शायद, आई थिंक. छोड़ो चलो कोई नहीं, दूसरी देखते हैं. सर दूसरी कौन सी दिखाओगे? सर दूसरी 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 दिखाएंगे हम. ये क्या लिखा है? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? स्टैंड अलोन. हाँ जी ये स्टैंड अलोन है. इसके अंदर सर ये कौन सी कंपनी है? ये है सर Zomato. सर Zomato की कंपनी है. अच्छा सर Zomato के सर पार्टनर ये कौन है? सर इसके ऑडिटर कौन है? सर जो रिलायंस के ही है. अच्छा सर Zomato का सर प्रॉफिट बता दो. सर लॉस है बेटा, Zomato से लॉस मेकिंग कंपनी. पहली बार लास्ट क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था. लास्ट क्वार्टर में Zomato वॉज इन 2 करोड़ का प्रॉफिट. सर क्या बात कर रहे हो, 2 करोड़ का प्रॉफिट? एक्चुअली लॉस ही था, पर उसके टैक्सेस कुछ ऐसे थे कि टैक्सेस नेगेटिव आ गए. सर टैक्सेस कब से नेगेटिव होते हैं? आज सुबह सुबह हमने टैक्स पढ़ा था, हमारे टीचर ने कभी नेगेटिव बोला ही नहीं. AS 22 टैक्सेस की अकाउंटिंग कैसे होती है वो टैक्स का टीचर नहीं बताएगा, वो जय चावला बताएगा, और वो आपको AS 22 में मालूम पड़ेगा. एंड बिकॉज ऑफ AS 22 Zomato इज इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ AS 20. मतलब कायदे से Zomato के ऊपर इंडियस लगता है, बट मैं आपको उसको AS से कनेक्टेड बोल रहा हूं. AS 22 Zomato इज इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ AS, द रेलेवेंस ऑफ AS. सर ऐसा कैसे? एक्चुअली Zomato लॉस ही था, पर उसके टैक्सेस देखोगे अगर आप तो उसके टैक्सेस नेगेटिव में आ गए, और उस वजह से उसका 2 करोड़ का प्रॉफिट आ गया. सर ऐसा क्यों? डेफर्ड टैक्स असेट. नाम सुना है पहले किसी ने?
डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नहीं सुना है कोई बात नहीं, वो AS 22 के चक्कर में. एनीवेज, तो यस, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों बताओ, शुरू से क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? असेट. फिर हमने क्या पढ़ा? लाइबिलिटी. फिर हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, SPL, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन और सिग्निफिकेंट. एक बच्चे के मुंह से नाम निकला था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. कितने बच्चों ने नाम सुना है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करके? कितने बच्चों ने ये नाम सुना है? बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया जाता है इंड AS वाली कंपनी के द्वारा, जो कंपनी इंड AS फॉलो करती है. अगर कोई कंपनी AS फॉलो कर रही है तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनाती. सर होता क्या है? कुछ नहीं. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब नोट्स टू अकाउंट्स का एक हिस्सा जो आपकी इक्विटी को डिसएग्रीगेट करता है. नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? डिसएग्रीगेशन. अगर मैं आपको बोलूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आया, पब्लिक इशू कितना हुआ, बोनस कितना दिया, बायबैक कितना हुआ, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. अरे समझा कि नहीं समझा? पर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको करने को मिलेगा CA फाइनल में. AS के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नाम का शब्द यूज नहीं होता. बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल राइट. एक आखिरी चीज पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंस में कल पढ़ाऊंगा, एक लास्ट चीज पढ़ेंगे अपन आज के दिन की, और उसके बाद अपन वाइंड अप करेंगे. आखिरी चीज लिखिए सब लोग कॉपी में. क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, बट वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा. पहला रूल तो यही होने वाला है कि लात से कोई अपनी बॉटल नहीं गिराएगा. 3 मिनट में, हर 3 मिनट में बॉटल गिरती है. इधर बैठो बेटा. ओके, सो कल मैं क्लास के कुछ रूल्स बताऊंगा ताकि वो फॉलो हो तो ज्यादा बेटर है. अभी नहीं बताऊंगा मैं, बाद में कल आराम से बताऊंगा. आज वैसे ही ना तुम लोग ना बहुत मायूस मायूस गुमसुम लग रहे हो सुबह से. अच्छा, हिल भी नहीं पा रहे हो, हटना. अरे मतलब हाथ भी मैं सीधा नहीं कर पा रही हूं, थोड़ा सा सीधा हो जाओ. लिखो. ओए, आई एम नॉट दैट टाइप. ये हंसी चाहिए थी मुझे, मुझे ये हंसी चाहिए थी. कहां थी इतनी देर से ये हंसी यार? चलो कुछ तो किया मैंने. चलो अब मजा आ रहा है मेरे को. हाँ, इतने गुमसुम चेहरे बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं यार, मतलब ऐसे कर रहे हो. चलो ठीक है, बढ़िया, ज्यादा नहीं होगी मस्ती मजाक. हाँ, लास्ट चीज बोलनी थी. यस, लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? व्हाट इज द रोल ऑफ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या क्या रोल्स होते हैं? काम क्या करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या काम करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 4 रोल होते हैं, लिखिए. फर्स्ट, रिकॉग्निशन. थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि हम उसके बारे में हल्का सा एक्सप्लेनेशन लिख सकें. सेकेंड, मेजरमेंट. थर्ड, प्रेजेंटेशन. फोर्थ, डिस्क्लोजर. यस, 4 रोल. AS क्यों आया, AS को क्यों अप्लाई करना है? 4 बातों के कारण. पहला, बोलो बोलो, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना. क्या करना? रिकॉर्ड करना. सर किसको? ट्रांजैक्शन को.
क्या करना? क्या करना? रिकॉर्ड करना. किसको? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को. समझा कि नहीं समझा? तो कैसे रिकॉर्ड करना है? सुनो ना भाई, सुनो ना यार. अगर मैं आज एक असेट खरीदता हूं, मुझे बताओ, अगर मैं आज एक इनसे, आपका नाम क्या बेटा? संयम. अगर मैं संयम से एक असेट खरीद रहा हूं, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, संयम तुमने मुझे प्रॉपर्टी बेचा, कितने में बेचा? 10 करोड़. मैं कैसे बोल रहा है 10 करोड़? बहुत पैसा है अपने पास. हाँ, 10 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचा इसने. 10 करोड़ मैंने संयम को दिए. मैंने 10 करोड़ संयम को दिए. वॉट एंट्री शुड जय सरपास? 10 करोड़ की असेट संयम से खरीदी गई. जय सर को क्या एंट्री पास कर? अच्छा, संयम को मैं पेमेंट करूंगा 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 महीने बाद. एंट्री बोलो. प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू संयम अकाउंट. बोलो बेटा. अमाउंट? अमाउंट, वेरी गुड. इसमें अमाउंट क्या आया? 10 करोड़. चलो, वेरी गुड. तो इसमें मैंने रिकॉर्ड क्या किया? प्रॉपर्टी को. बोलो ना बेटा. रिकॉर्ड क्या किया? प्रॉपर्टी को. और रिकॉर्ड क्या किया? क्रेडिटर को. अरे, असेट को रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट भी तो कुछ किया मैंने. क्रेडिट मैंने किसको किया? संयम को. संयम इज माय क्रेडिटर. तो व्हाट इज दैट? रिकॉग्निशन. कितने पे रिकॉर्ड किया? 10 करोड़. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? मेजरमेंट. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट. संयम से मैंने प्रॉपर्टी जब परचेज किया, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, संयम से मेरी 29 मार्च को डील हो गई. प्रॉपर्टी परचेज करूंगा. 10 करोड़ में परचेज कर रहा हूं तो तू खुश हो गया? अब तू सुन तो ले अच्छे से. तू मतलब उंगली दे रहा हूं तो हाथ पकड़ रहा है, सुन अब अच्छे से. 29 मार्च को डील हो गई. संयम मुझे 10 करोड़ में, 10 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचेगा. ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज. उसने मुझे 29 को पोजीशन दे दिया. मैंने संयम को 9 करोड़ पे भी कर दिए, पर अभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे एज ऑन 31 मार्च को नहीं हुई. ऑफिस क्लोज था रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार का ऑफिस वगैरह बाद में, संयम को टाइम नहीं था, मुझे टाइम नहीं था. जाके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 30 अप्रैल को हो गए. 3 मिनट. 30 अप्रैल को प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रजिस्टर हुई. मतलब 30 अप्रैल को जय चावला बिकेम द ओनर, बिकेम द लीगल ओनर. बट 29 तारीख को जय चावला ऑलरेडी गॉट द पोजेशन. जय चावला पेड द मैक्सिमम अमाउंट. मुझे असेट इस 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर जय सर को दिखानी चाहिए कि संयम सर को दिखानी चाहिए? बोलो. संयम को दिखानी चाहिए कि जय सर को दिखानी चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं जय सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कितने लोग बोल रहे हैं संयम? क्यों बेटा? रजिस्टर मेरे नाम पर ही 30/4 को. मैंने सुबह सुबह मतलब जब स्टार्ट हुआ था, असेट की डेफिनेशन में बताया था कंट्रोल. कंट्रोल में ओनरशिप, ओनरशिप में बताया था लीगल ओनरशिप एंड डीम्ड ओनरशिप. कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ डीम्ड ओनरशिप तो मेरी आ गई थी ना बच्चों. 29 तारीख को डीम्ड ओनर तो मैं हो चुका हूं ना. पोजीशन मेरे पास आ गया, मैक्सिमम पेमेंट मैंने कर दिया. वो तो कुछ कारणों से, लीगल इश्यूज के कारण से रजिस्ट्री देर से हुई. तो क्या मुझे प्रॉपर्टी यहां पर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि डीम्ड ओनर जय सर है? बोलो जी. एंड हेंस मुझे प्रॉपर्टी को किस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए? 29 मार्च को कि 30 अप्रैल को? 29 मार्च को मैं प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर लूंगा. कुछ आया समझ में कि नहीं? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मतलब सर ऐसा कौन बोलता है? AS10 कि तुझे प्रॉपर्टी तब रिकॉर्ड. अब सुनो, अब इसका रेलेवेंस समझ. तुझे प्रॉपर्टी तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब तुझे उसके मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं. मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो गए? 29 मार्च को. बस रजिस्ट्री मेरे नाम पर नहीं हुई. कुछ आया समझ में कि नहीं? क्या बताया था? कुछ ओवर फॉर्म, कुछ बताया था. सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म. सब्सटेंस क्या कहता है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बोलो.
प्रॉपर्टी 29 मार्च को ही मेरी हो चुकी है. समझा कि नहीं समझा? रिकॉग्निशन बेटा, क्लियर हुआ रिकॉग्निशन मतलब? तो एक्सप्लेनेशन लिखो इसका. टू लिखवाया तो था मैंने अभी, शायद कुछ ऐसे ही बोला था. लिखो, टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट. टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट, ब्रैकेट में असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस. टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट, ब्रैकेट के अंदर ट्रांजेक्शन इवेंट मतलब किस फॉर्म में? असेट के फॉर्म में, लाइबिलिटी के फॉर्म में, एक्सपेंस के फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, कॉमा इक्विटी. इक्विटी मतलब कैपिटल. चलिए सर नेक्स्ट. सही, हमने प्रॉपर्टी कितने की बेची? 10 करोड़. सो व्हाट इज द मेजरमेंट? वेट, संयम. 10 करोड़ चाहिए ना इस बार. डील हुई, संयम. मैं आपको रिलायंस के शेयर दूंगा. मैं आपको मैं कैश नहीं दूंगा संयम को, मैं आपको रिलायंस कंपनी के शेयर दूंगा. सर कितने दूंगा? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकालो. मैं दूंगा 38,000 शेयर्स. सुन लो सब लोग पहले ध्यान से. मैं दूंगा 38,000 शेयर्स संयम को. कितने? 38,000. और एक शेयर की आज की मार्केट वैल्यू है 2400. ऐसे मेरी मर्जी 2400 है. करो 38,000 इंटू 2400, बोलो 9 करोड़ 12 लाख. इतने में डील फाइनल हुई. कितने में डील फाइनल हुई? 9 करोड़ 12. संयम भी मान गया डील फाइनल हुई. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? पहले तो मुझे बताओ, मैंने संयम को कैश दिया कि काइंड दिया? काइंड में क्या दिया? शेयर. और मैंने शेयर दिया कितने के? 9 करोड़ 12 लाख के. मेरा AS10 कहता है कि जब भी तू प्रॉपर्टी परचेस करेगा और पेमेंट तू काइंड में करेगा तो जो भी तूने दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकाली तुम लोगों ने? फेयर मार्केट वैल्यू तूने कितनी निकाली? 9 करोड़ 12 लाख. अब मुझे बताओ मैं एंट्री क्या करूंगा? बोलो. प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट. बोलो बोलो. प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 9 करोड़ 12 लाख टू संयम. बोलो बेटा. 9 करोड़ 12 लाख. बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अरे संयम को भी दिए नहीं, देना है. क्रेडिटर, क्रेडिटर. सर जब दे दोगे तो एंट्री क्या करोगे? संयम अकाउंट डेबिट. संयम अकाउंट डेबिट टू, अरे टू प्रॉपर्टी कैसे? प्रॉपर्टी तो डेबिट किया ना भाई. टू शेयर्स टू इन्वेस्टमेंट इन RIL. रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट था ना मेरा. मैंने जब वो शेयर खरीदे होंगे तो मैंने उसको डेबिट किया होगा. अब मैं ये किसी और को दे रहा हूं तो मैंने वो क्रेडिट कर दिया. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? सर आपने जब खरीदे थे तब थोड़ी 9 करोड़ के थे. जब आपने खरीदे थे तब आपने 2000 के हिसाब से खरीदे थे. करना तो 38 into 2000. 38,000 into 2000. सर जब मैंने खरीदे थे तो मैंने 7 करोड़, सब बोलेंगे 7 करोड़ 60 लाख में खरीदे थे. तो सर आपने तो 7 करोड़ 60 लाख के शेयर्स उसको दिए. बेटा वो खरीदे थे बहुत पहले के. अरे समझा कि नहीं समझा? और आज मैंने संयम को ये सेटलमेंट किया है 9 करोड़ 12 लाख में. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो एक तरीके से बाकी का मेरा क्या हो गया? फायदा हो गया ना. क्योंकि 7 करोड़ 60 लाख की चीज आज कितने की दे रहा हूं मैं सामने वाले को? 9 करोड़ 12 में. तो इसका मतलब टू गेन. मुझे गेन कितने का हुआ? बोलो बेटा. मैंने गेन कितना रिकॉर्ड किया? 1.52 crore. ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? सर मैंने गेन को क्या किया? मैंने गेन को रिकॉग्नाइज किया. समझ में आया कि नहीं? रिकॉग्नाइज मतलब असेट को रिकॉर्ड करना, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना, गेन को रिकॉर्ड करना, और उसके बाद एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, इनकम को रिकॉर्ड करना. इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं. मेजरमेंट मतलब किसी असेट को, लायबिलिटी को किस वैल्यू पे मेजर करना है. इस बार मैंने 10 करोड़ में मेजर नहीं किया, इस बार मैंने किस्ते पे मेजर किया? बोलो बेटा किस्ते पे मेजर किया? तो अब लिखेंगे मेरे सामने मेजरमेंट का मतलब लिखेंगे सब लोग.
सब लोग मेजरमेंट का मतलब लिखेंगे. मेजरमेंट मींस कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी. मेजरमेंट मींस कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिकग्निशन. फॉर द पर्पस कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिकग्निशन. रिकग्निशन का मतलब रिकॉर्ड. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड करने के पर्पस से असेट लायबिलिटी की वैल्यू निकालना. समझ में आएगी नहीं? yes, चलो दो बातें हो गई. तीसरा प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन यस बोलो. प्रेजेंटेशन एनीबडी? टू लिख के क्या? नहीं बेटा. प्रेजेंटेशन करेक्ट. प्रेजेंटेशन मतलब असेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है ताकि सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सके. अंडरस्टैंडेबिलिटी आए. क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी. कोई भी अगर उसको पढ़े तो उसको जल्दी समझ में आ जाए, बहुत जल्दी, ताकि मैं उस तरीके से प्रेजेंट करूं. अरे यार मुझे बताओ, तुम ना एग्जाम में अपने अकाउंट्स में, फाउंडेशन में, बीकॉम में, जब भी आप एग्जाम देते थे, आप प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखते थे कि नहीं रखते थे, या ऐसे ही बस कुचड़ करके आते थे? और अगर होता भी था तो हम जानते थे ना, हमें टीचर बोलता था कि बेटा नंबर कटेंगे अगर प्रेजेंटेशन नहीं किया तो. बोलो ना बेटा. तो प्रेजेंटेशन का रेलेवेंस क्या हुआ? प्रेजेंटेशन अच्छा क्यों होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को सजा के प्रॉपर उसकी सही जगह पर दिखाना क्यों होना चाहिए? बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. इसी का एक एग्जांपल देखो. अभी हमने रिलायंस का टेंजिबल असेट देखा था. अभी हमने रिलायंस के ये देखे थे, ये टेंजिबल असेट. बेटा अगर ये इनटेंजिबल असेट यहां ना लिख के रिलायंस इसको यहां लिखे तो, इनटेंजिबल यहां लिखे तो सर सही नहीं है ना? एक्चुअली जो सिमिलर नेचर की चीजें उसको एक जगह दिखाओ. आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे पीछे दिखाओगे तो सर बार बार ऊपर नीचे ढूंढना पड़ेगा ना. कोई एक सीक्वेंस मेंटेन करो ना सर, ताकि डिसीजन ले सके. समझ में आ रहा है भाई? पक्का आ रहा है? पीछे वाले पक्का? क्या बताया? लाल टी शर्ट नहीं, उसके पीछे ब्लू शर्ट. हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस अकाउंट्स. वाह, क्या पढ़ाया मैंने प्रेजेंटेशन में? हाँ तो बता ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर, ताकि एक दूसरा वर्ड यूज किया था वो खुसर पुसर कर भी रहा तेरे बगल वाला, सुन ले. हाँ मैं नहीं कर रहा. अंडरस्टैंडेबिलिटी आ सके. क्या आ सके? ताकि सही तरीके से समझ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ सकें. समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेजेंटेशन इसीलिए जरूरी है. लिखिए, प्रेजेंटिंग असेट्स लायबिलिटीज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. प्रेजेंटिंग असेट्स. अरे तुम लोग करंट असेट नॉन करंट असेट करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? ताकि मालूम पड़े कि टोटल कंपनी में करंट पोर्शन कितना है, नॉन करंट कितना है. करंट नॉन करंट ना करके ऐसे ही दिखा दे तो कोई डिसीजन मेकिंग पर मतलब प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? समझने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. तो क्या बोला, क्या लिखा? प्रेजेंटिंग द असेट्स लाइबिलिटीज इनकम्स एक्सपेंसेस एंड इक्विटी इन सच अ वे, so that financial statements should be understandable.
in such a way so that financial statements should be understandable. Last. लास्ट. हाँ सर जल्दी बोलो, सर जल्दी बोलो, मुझे घर जाना है. हाँ जल्दी, क्या लास्ट, क्या डिस्क्लोजर? क्या मतलब होता है डिस्क्लोजर का? सर बाय टाइम हो गया, जल्दी बोलो डिस्क्लोजर. जितना मुंह बनाओगे मैं उतना स्लो चलूंगा. जल्दी बोलो डिस्क्लोजर, जल्दी बोलो डिस्क्लोजर का क्या रेलेवेंस, क्या डिस्क्लोजर? अभी हमने देख लिया था, याद है तुमने 91477 वर्ड 9147, बस इतना ही दिखा के छोड़ दे तो ये बगल में उसके 10 ना दिखाए, ये सब नहीं दिखाए तो बोलो ना बगल में ये सब नो, ये सब नंबरिंग ना डाले तो क्या होगा? कोई डिसीजन ले पाएगा? कोई डिसीजन ले पाएगा कि नहीं? चलो छोड़ो यार, इधर आओ, छोड़ो छोड़ो. रिलायंस कंपनी का सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 251,100 करोड़. ठीक है, रिलायंस कंपनी की अदर इनकम कितनी है? इनकम फ्रॉम सर्विसेज 141. ठीक है, पर अगर तुम्हें जानना है कि 251,100 के अंदर क्या क्या है, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं, इसके बारे में मुझे कहां जाना पड़ेगा? 19 नंबर में. मैं बोलूं मैं नहीं दिखाऊंगा, रिलायंस बोला नहीं दिखाएंगे, तुम क्या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे क्या कंपनी में? तुम्हें जब पता ही नहीं चलेगा कि 251 में उसका सेल ऑफ प्रोडक्ट का क्या है भाई, मेन जो उसका धंधा है उससे उसका सेल हुआ है कि फालतू चीजों से उसने सेल करके रखा है, तो इसके लिए तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज. क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज. तो जो हम नोट्स वो अकाउंट्स बनाते हैं वो क्या है? डिस्क्लोज. जो हम एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या है? डिस्क्लोज. जो हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं वो क्या है? डिस्क्लोज. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो लिखिए. हाँ सर लिखो, लिखो जल्दी लिखो सर, जल्दी लिखो सर, लिखो डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिसएग्रीगेशन ऑफ अमाउंट्स, कॉमा लगा के डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कॉमा डिसएग्रीगेशन ऑफ अमाउंट्स. अमाउंट का डिसएग्रीगेशन करके बताना, मतलब 251,100 के अंदर क्या क्या है उसको डिसएग्रीगेट करके दिखाना. And additional information so that decisions could be taken on time, so that decisions could be taken on time. बेटा क्लियर हुआ? तो बस मुझे लास्ट में बता के जाइए, रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रोल है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या काम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार चीजों पर फोकस करेगा. पहली रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉर्ड करना. दूसरा मेजरमेंट, मतलब वैल्यू बताना, कैलकुलेट करना. तीसरा प्रेजेंटेशन, मतलब असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को सही जगह पर दिखाना. चौथा मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना ताकि डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए. समझ में आया कि नहीं? मुझे पता है तुम सुन थोड़ी रहो, अभी बैक पे करा. हाँ हाँ सर, हाँ हम सुन रहे. हाँ डिस्क्लोजर, हाँ क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. या क्या है यार तुम लोग यार. चलो एक सेकेंड, हाँ गाइस, मैं जानता हूं आप बहुत थके हुए हो क्योंकि ये चीजों के लिए आपकी अभी तक ऐसी कोई मेंटलिटी सेट नहीं थी. 3-4 दिन चीजें होंगी, फिर सेटल हो जाओगे. टेक द रेस्ट, घर जाओ, आराम करो.
प्लीज घूमना फिरना अभी मत करना, पहले अभी अपने आप को थोड़ा सा संतुलित करो, उसके बाद ही बाकी सब चीजें होती रहेंगी। पॉइंट नंबर टू, आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहां पर जगह और ये सब चीजें हैं। कल परसों से चीजों को हम और मैनेज करेंगे, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टिल इफ यू आर इन डाउट डेमो और व्हाट, टेक योर डिसीजन अर्ली। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास आया कहीं, टेक योर डिसीजन अर्ली, क्योंकि यू नो कि सिटिंग कैपेसिटी और कैसा क्या चल रहा है। सो डू नॉट एक्चुअली पोस्टपोन योर डिसीजन फॉर टू डेज थ्री डेज, बिकॉज मे बी आफ्टर दैट यू मे नॉट बी एबल टू सिट हेयर। सो इसीलिए इफ यू लाइक द लेक्चर और वॉट एवर, अगर वी स्मार्ट के किसी फैकल्टीज का भी लेक्चर लाए अगर अच्छा लगा, तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी बाकी लोग एडमिशन ले लो, अदरवाइज चीजें हो सकता है आपके फेवर में ना आए। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ वॉज द लेक्चर, इज इट फाइन? ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यहीं पर हूं, अगर किसी को जाने से पहले डाउट पूछना है तो जा सकता है, पूछ सकता है, अदरवाइज जाने से पहले बाय बाय बोल के जाओ, नहीं तो फेल हो जाओगे। बाय 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 बाय। हायर परचेज असेट्स में आएगा, आएगा बिल्कुल, और मॉर्गेज अगर बैंक को दे रहे तो आएगा, तो भी आएगा, पर बैंक यूज नहीं करे ना, असेट तो मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरी असेट है ना, मेरी आएगी ना। और सर आपने वो एग्जांपल दिया था स्कूटी का, तो आपने विंटेज भी बोला था, तो उसको बेच के पैसा आ सकता था ना सर? मैंने विंटेज ऐसी मस्ती मजाक में बोला था, क्योंकि स्कूटी विंटेज नहीं हो सकती, इसीलिए विंटेज हो तो बिल्कुल आपकी असेट है, बिल्कुल है। हाँ कैसे, मैंने बोली नहीं, मैंने बोला बस नोटबुक मेंटेन करो 250 पेजेस की, 250 पेजेस की। हाँ कैसे मेंटेन करनी है वो मैं कल बताऊंगा, मैंने बोला रजिस्टर खरीद लो 250 पेजेस का, चार पांच रजिस्टर लगेंगे, एएस का अलग लगेगा, चैप्टर्स का अलग लगेगा, ऐसा। कैसे मेंटेन करना वो तो मैं बताऊंगा ना कि कैसे सीखना है क्या करना है, चलेगा ठीक है चलेगा। मैं 250 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना देख के टेंशन नहीं आता, 400 में टेंशन आ जाता है, इसीलिए। एक सेकेंड बस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर अभी आपको अगर कोई डाउट है तो आप चैट पे कर दीजिए, जब फेस टू फेस वाले चले जाएंगे तो मैं आपके चैट वाले डाउट पढ़ लूंगा। यस थोड़ा वेट कर ले कन्वर्शन को, अभी थोड़ा वो देख लेंगे, तू कल आ जा, कल करवाता हूँ मैं, है ना। हाँ लाइन वाले सारे, लाइन वाले ऐसे ऐसे वाले, ऐसे लाइन वाले। सर आपने बोला कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कोई ऐसी भी लायबिलिटी हो सकती है जो हमें पे करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड का 100%, बट ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें 50 से ज्यादा परसेंट? मैंने तुम्हारे तुम्हारे कंपनी पे कोर्ट केस कर लिया क्योंकि तुमने मेरा ट्रेडमार्क चुराया है, क्लेम कर लिया, कोर्ट में चला गया, तुमने अपना एडवोकेट हायर किया, मैंने अपना एडवोकेट हायर किया, तुम्हारा एडवोकेट कहता है कि नहीं नहीं अपन मैनेज कर लेंगे, जीत जाएंगे, तो तुम्हारे एडवोकेट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी नहीं भी आ सकती है, चांसेस कम भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा एडवोकेट बोल रहा है नहीं नहीं ट्रेडमार्क वेडमार्क उसका वैसे ही रजिस्टर नहीं था, वो तुम्हारे ऊपर केस ही गलत कर रहा है, तो तुम बोल रहे हो इट मे नॉट बी देयर, इसीलिए। तुमने कोई एक्सीडेंट किया, बीआर तो तुम्हारे पेरेंट्स को करना पड़ेगा। नहीं तो पास्ट इवेंट तुमने किया ना, तो पापा को अगर पे करना पड़ेगा, मतलब इट इज वन एंटिटी, कंसीडर एज वन एंटिटी। अब पहली बात तो अपन कोई पर्सनल वाला तो अकाउंटिंग कर नहीं रहे, अपन तो एंटिटी में कर रहे हैं, तो कल को किसी कंपनी के डायरेक्टर ने कोई कांड किया तो कंपनी के ऊपर सर पे लायबिलिटी आएगी ना, पॉइंट समझे कि नहीं? जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला, तुमने बोला कि डायरेक्टर भाई टीवी चालू कर दो मिनट, हाँ तुम जैसे तुम थे तुम्हारे पापा थे, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम डायरेक्टर हो, तुम्हारे पापा मतलब कंपनी हो गए, तो लायबिलिटी किसके सर पे आएगी? कंपनी पे। तो इट इज एज गुड एज कि कंपनी के लिए पास्ट इवेंट क्या हुआ, डायरेक्टर का स्कैम करना, सेम सेम थिंग माना जाएगा कि वो कंपनी के
नाम पे किया गया है ऐसा, ठीक है सर? आपने बोला कि कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है, बट हमने 12th फाउंडेशन में तो किया, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलता है कि हमें लायबिलिटी को अकाउंट करना चाहिए बट एसेट को नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना चाहिए, फोर्सिबल एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए पर इनकम्स को नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बोलो, SLM का, सब लोग SLM, डेप्रिसिएशन टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइड, नहीं माइनस 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 रिपीट स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? आखिरी में सेल करेंगे, फोर्सिबल प्रॉफिट आखिरी में सेल होगा तो कितने में होगा वो अभी कैसे एस्टिमेट कर रहा हूँ। अपने टीचर से क्यों नहीं पूछा था कि सर स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि जो तुम्हें सिखाया गया है हमने उसको रटा है, अब हम उसको यहाँ पर समझेंगे कि क्यों। पॉइंट ये नहीं है कि सर सिर्फ फोर्सेबल लॉसेस को ही करते हैं, इनकम्स को भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी सर्टेनिटी कितनी है। बात को क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पॉइंट पर, कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी हम इसलिए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उसकी प्रॉबिलिटी 50% से कम होती है, तो इसीलिए AS 29 कहता है कि जब उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो आप उसको बैलेंस शीट में अंदर लेकर ये करो, रिकॉग्निशन करो, अदरवाइज उसको ये करो डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो देना पड़ेगा कि नहीं। जब तुम श्योर ही नहीं हो तो तुम ये कैसे कर सकते हो? इसीलिए अगर तुम श्योर नहीं हो तो रिकॉग्निशन भी कैसे करोगे, और रिकॉग्निशन भी कर लिया तो ये कैसे करोगे, वैल्यू कैसे करोगे? इसीलिए हाँ, इसीलिए बेटर है कि ये करो, और जब श्योर हो जाओ तो ये दोनों कर लेना। हाँ, वो ही विल बिकम द डीम्ड सेलर, AS 19 वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, वो बैलेंस शीट में सेल, वो अपने पीएनएल में सेल दिखाएंगे। करेक्ट, धीरे, थोड़ा धीरे। हाँ, डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स। हाँ, डिसएग्रीगेशन मतलब ये 251-100 है और इसका नोट नंबर कितना है? 19। अगर तेरे को ये जानना है कि 251-100 के अंदर क्या है तो मैं क्या करूँगा, इसके नोट नंबर 19 पे जाऊँगा। चल, मैं नोट नंबर 19 पे गया, ये 13 है, ये रहा 13 में सेल ऑफ प्रोडक्ट में वही है 251-100, पर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें 169-305, वो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ क्या है? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तीसरी चीज़ क्या है? ऑयल एंड गैस। मतलब मैं 251-100 को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो डिसएग्रीगेशन मतलब एक अमाउंट के अंदर दो तीन चीज़ें मिली हुई हैं जिनको मैं तोड़ तोड़ के अलग दिखा रहा हूँ, समझ गया? ये नोट्स टू अकाउंट्स है, और एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन मतलब जो मैंने यहाँ पर दी थी शुरू में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के बगल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन है। मतलब मैंने टोटल तो बता दिया 16,000 है, पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि इसके अंदर 28,16,000 का समथिंग ऐसा आइटम है जो रिलायंस की यूटिलिटी है, पावर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, जो कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, समझे? डिसएग्रीमेंट मतलब बेटा अमाउंट को बस अलग अलग करके दिखाना ना, एक्सप्लेनेशन तो उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये तोड़ के दिखाना डिसएग्रीगेशन और अलग से नीचे पॉइंट डालना उसके बारे में बताना, तो इट इज इंफॉर्मेशन। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इट इज वन इन द सेम थिंग। नहीं ना, अब हम पढ़ेंगे ना AS 1 के हिसाब से कि डिस्क्लोजर वो चीज करो जो मटेरियल है, जो इम मटेरियल है उसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस स्कूटी को बुक्स में से बल्कि उल्टा हटाऊंगा। उसको कहते हैं डी रिकग्निशन, रिकग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। अब मैं क्या करूँगा, हटाऊंगा डी रिकग्निशन, क्योंकि अब वो किसी काम की नहीं है। वो बैलेंस शीट में दिख के तुम क्या प्रूव करवाना चाहते हो बैलेंस शीट में, उसके बेसिस पर उसको किसी को मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर को कोई मतलब नहीं कि स्कूटी दिख रही है। वही सेम मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मटेरियलिटी मतलब कैसे आएगी, अब वो किसी न किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे आएगी। तुम रिलायंस हो, ठीक है ना, और रिलायंस के लिए 5,000 का शेयर कोई मतलब नहीं, तो मटेरियल नहीं है, तो वो उसको खर्चा दिखा के पीएनएल में डाल देगा। पर अगर वो मटेरियल है, 5 करोड़ है, तो वो पीएनएल में डाल के वो बैलेंस शीट में दिखाएगा कि भैया इससे आगे फ्यूचर में बेनिफिट है, ठीक है। असेट की जो मैंने डेफिनेशन बताई दैट वाज द बेसिक फंडामेंटल, पर अब असेट से रिलेटेड बहुत सारे एएस आने वाले हैं। AS-10 टेंजिबल, AS-26 इनटेंजिबल, AS-28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट। तो इस बेसिक फाउंडेशन के बाद जब हम AS में पढ़ेंगे तो हमें और मालूम पड़ेगा कि अच्छा असेट तो हो गई, पर उस असेट को कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, कौन सी सिचुएशन में हमें उसको राइट ऑफ करना है, कौन सी सिचुएशन में हमें उसको राइट ऑफ नहीं करना है, तो वो AS बताएगा। ये जो डेफिनेशन थी वो एक बेसिक फाउंडेशन था, उसके बेसिस पर AS फिर अपनी और चीज़ें उसमें डेवलप करवाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से सही प्रॉफिट शो हो पाता है, सही जो शायद अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो प्रॉफिट कुछ और होता, और कुछ और होता तो डिसीजन मेकिंग कुछ और हो सकती थी, पर वो प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर बेनिफिट इक्वल हो रहे हैं, मतलब मुझे बेनिफिट इन द सेंस असेट को यूज़ करने से मुझे क्या बेनिफिट, फीस, ये असेट है, इधर सभी लोग बच्चे बैठे हैं, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या दोगे, फीस। फीस मेरे लिए क्या हुआ, सेल, सेल हुआ कि नहीं। अब सेल के अपोजिट मुझे क्या दिखाना है, खर्चा, मैच करते। अब मैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल सेम सेल दिखा रहा हूँ, क्योंकि फीस इक्वल है मान लो, तो उसके अपोजिट साइड मुझे किराया भी तो इक्वल दिखाना चाहिए, समझा कि नहीं, ताकि सही प्रॉफिट निकाला जा सके। सर अगर मैं इक्वल नहीं दिखाता हूँ तो नज़रों में, AS की नज़रों में वो सही प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इक्वल कमा के तुम इक्वल क्यों नहीं खर्चा दिखा रहे, तुम खर्चा ऊपर नीचे दिखा रहे हो, ये कैसे हो गया। इसीलिए वो AS की नज़रों में सही प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तुम वही हो ना जो लिख नहीं रहे थे, अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट जो था उसके, हाँ वो हमें नोट्स में अलग से दिखाना जरूरी है, बिल्कुल। मैंने तो सिंपल ये बताया कि डिस्क्लोज करना चाहिए सब चीज़ें, ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े और डिसीजन मेकिंग टाइम पर हो। अब क्या क्या दिखाना चाहिए वो तो मैं आगे AS में बताऊंगा ना, तुम तो कंटिंजेंट बोल रहे हो। मैंने तो ये भी नहीं बताया कि डिस्क्लोजर में असेट कौन सी डिस्क्लोज करनी चाहिए, लायबिलिटी कौन सी, तो नहीं तो वो पूरा पेज भर जाता। मुझे रिलेवेंस समझाना था उसका, कि डिस्क्लोजर मतलब क्या, तो डिस्क्लोजर मतलब क्या, आइटम्स को शो करना, चाहे वो असेट हो चाहे लायबिलिटी हो। तो लायबिलिटी का कंटिंजेंट लायबिलिटी भी तो मेन लायबिलिटी का पार्ट ही है ना, तो व्हेन आई सेड लायबिलिटी इट मींस इट इंक्लूड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो P&L का ही एक्सटेंशन है, और उसका फाइनल बैलेंस उस अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन में पहुंचता है, जो कि उसकी बैलेंस शीट। वो मैं कल समझाने वाला हूँ। ऐसा समझो कि ये मेरे सामने जितने बच्चे खड़े हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई MP से है, कोई वेस्ट से है। अब इनके घर भी अलग अलग हैं, तो वैसे ही ये असेट है गुजरात, ये लायबिलिटी है महाराष्ट्र, ये इनकम है वेस्ट बंगाल, ये एक्सपेंस है कोई और सिटी।
अब इन सबके घर अलग अलग जगह होंगे, तो हमने इन सबको बोल दिया कि तुम्हारे घर दो में से कोई होंगे, या तो बैलेंस शीट या तो पी एंड एल। तो अगर तुम दोनों इनकम एक्सपेंस हो तो तुम्हारा घर वो होगा पी एंड एल, और तुम दोनों असेट लायबिलिटी हो तो तुम्हारा घर कौन सा होगा बैलेंस शीट। अब तुम दोनों किधर गए पी एंड एल में, तुम इनकम तुम एक्सपेंस, तुम्हारा क्या होगा नेट, नेट होगा ना बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट फाइनल किसके पास आएगा बैलेंस शीट में घूम के आएगा। मतलब पी एंड एल एक डेस्टिनेशन है पर उसका फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, उसको भी कहां लेके आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो अप्रोप्रिएशन क्या है, उस प्रॉफिट का बंटवारा करना कि प्रॉफिट आ गया तो डिविडेंड कितना देंगे, फिर रिजर्व में कितना डालेंगे, वो सब बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, समझे। तो ये है तुम्हारा जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इधर आइए, ये रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम में ओपनिंग कितना था, फिर इशू किया तो कितना आया, फिर ऐसे करके पी एंड एल प्रॉफिट फॉर द ईयर, अप्रोप्रिएशन तुम्हारा शब्द किसके अंदर आया रिजर्व एंड। अब रिजर्व एंड सरप्लस को ढूंढते हैं कहाँ होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, आजा 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 आजा, रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आया, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या हुआ अप्रोप्रिएशन, समझी। कल अभी कल बताऊँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कल बताऊंगा। और सर एएस यानी अपन जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एएस का, अगर अपन एएस का फायदा क्या है वो चीज से बना, यानी अपन पी एंड एल बैलेंस शीट वो बनाते हैं वो एएस के हिसाब से बनाते हैं, उसका यूज क्या है एएस के हिसाब से ना बनाए तो, एएस के हिसाब से ना बनाए, ना बनाए तो। आज मैंने याद है जब अपना इंट्रो दे रहा था तो मैंने आज ये शब्द यूज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एएस, तो एक तो मैंने बताया था कि फाइनल में काम आता है, और दूसरा मैंने बताया था कि आर्टिकलशिप करोगे और सीए बन जाओगे तो कंसल्टेंसी दोगे ताकि सही तरीके से बैलेंस शीट बनाए ताकि लोग उसका डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो अगर एएस ढंग से फॉलो नहीं हुए तो लोगों की नज़रों में तुम्हारी बैलेंस शीट की कोई औकात नहीं है, और अगर एएस ढंग से फॉलो हुए हैं तो लोगों की नज़रों में तुम्हारी बैलेंस शीट पी एंड एल की औकात है ताकि वो तुम्हारे कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट कर सकें। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे तुमने एएस फॉलो किए कि नहीं, ऑडिटर कि हाँ भाई साहब मैं बताऊंगा पब्लिक को कि इन्होंने पूरे एएस ढंग से फॉलो किए हैं, तो ये रिलाय करेगा। तो एएस क्यों जरूरी, हाँ तो तुम्हारे आंसर को करेक्ट, तुम्हारे आंसर को शॉर्ट में बोलूं तो एएस क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये बिना एएस के भी बना सकते हैं, अगर बिना एएस के बनाएंगे तो तुम्हारी एसेट लाइफ बैलेंस शीट को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे पेंडल को कोई नहीं पूछेगा, कोई रिलाय नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना पैसा तुम्हारे कंपनी में डालना चाह रहा है और तुम उसको इंफॉर्मेशन एएस के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो, इसका मतलब चांसेस है कि तुम फॉल्ट कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो। ऐसा अभी हमारे सिलेबस में एएस है, एएस अलग होता है, इंडियस अलग, हाँ अब वो कल बताऊंगा, वो जो तुम बोलो ना एएस इंडियस का वो मैं कल बताऊंगा, पर हमारे सिलेबस में क्या है एएस, ठीक है। इंडियस कब पढ़ेंगे, फाइनल में, मतलब मे बी, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मतलब पॉइंट ये कि यू आर, आप देख रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है, सो मे बी इन सम सब्जेक्ट्स द रजिस्ट्रेशन मे बी क्लोज्ड बिफोर सैटरडे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, तो जस्ट टॉक टू मैनेजमेंट टुमारो जाके, और टॉक टू द क्या बोलते हैं कंसर्न फैकल्टी, जहाँ जहाँ आपको लेना है, तो राइट एन एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इफ इट इज लाइक कंसिडरेबल तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा, वील सी। टू बी वेरी फ्रेंक, हमने सोचा नहीं था कि ये इस हिसाब से क्राउड आएगा, नाउ वी हैव टू इनकॉर्पोरेट
पर हमारी भी एक लिमिट होगी, तो हमें हो सकता है बाकी बच्चों को बोलना पड़े सॉरी गाइस। अब उसमें हम कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि आज बहुत सारी क्लासेस ऊपर नीचे हुई हैं, तो कल वो तय होगा जो भी होगा। करवा लूंगा आज, समझा ना मैंने क्या बोला, बेसिक्स पढ़ाऊंगा 3-4 दिन, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ऐसे कुछ नया रहा ना, आज कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा बहुत अच्छे से, अगर वो समझता तो बहुत अच्छे। अब सोचो अगर मैं आज ही ये चैप्टर, आज ही कोई चैप्टर शुरू करता तो आप बोलते हो क्या चल रहा है। हाँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको 4 दिन तैयार कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले तो आप रेडी हो जाओ। जब आप रेडी हो जाओगे ना, 4 दिन में आपको बेसिक सिखाऊंगा, आप बोलोगे हाँ आई एम कॉन्फिडेंट। तो मेरा बस पर्पस है कि बेसिक से कॉन्फिडेंस आए। अच्छा 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 ओके ओके, क्या नाम है? अश्विनी। डोंट वरी, हो जाएगा है ना। अभी रश है क्या? अभी नीचे रश है क्या? गर्दी है क्या? तो फीस तो आपकी पे हो गई है ना, सो व्हाई यू आर इन वरी? यू ऑलरेडी पेड द फीस ना, सो यू डोंट नीड टू बी वरी। ये लड़कियां जल्दी टेंशन में आ जाती हैं। हाँ वेट अ मिनट। हाँ बोलो बेटा। अच्छा बाद में बोलना है, तो 2 मिनट मुझे फिर ऑनलाइन वालों के साथ 2 मिनट बात करने दो। लेक्चर वॉज ऑसम, थैंक यू सर, बाय सर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पॉइंट था वो बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने पर अप्लाई हो रहा है, पर स्कूटर पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्कूटर में तो डिस्ट्रॉय हो ना हो, मुझे पहले से ही पता है कि मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट। आज मेरे पास स्कूटर है पर मुझे पता है कि घंटा ना वो मेरे काम आएगा, ना मैं उसको यूज़ करूँगा, बेचूंगा तो सामने वाला रद्दी वाला उल्टा पैसे लेने आ जाएगा, बोलेगा ये स्कूटर ले रहा हो तो पैसे भी दे दो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो स्कूटर में मेरे को कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड ही नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रॉय भी हो गया कल को मेरे को अखरेगा नहीं, बस दादाजी की याद ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए मैं उसको असेट दिखाने का मेरा कोई यूज़ है नहीं। सर एक्चुअल पेमेंट बेसिस समझ नहीं आया। एक्चुअल पेमेंट बेसिस मतलब कैश सिस्टम मतलब आज एक्चुअल पेमेंट बेसिस मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो मैंने पेमेंट एक्चुअली किया 5, पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखाऊंगा 662,500। तो पेमेंट कितना किया? 5। तो 5 ही P&L में दिखाऊं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पेमेंट बेसिस, पर मैं P&L में कितना दिखाऊंगा? 662,500। सर ये अलग अलग क्यों? वो जब AS आएंगे तब समझेगा। ठीक है, सर पहले AS चालू होंगे या चैप्टर? पहले चैप्टर होंगे, क्योंकि कुछ बेसिक चैप्टर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर AS पे जाएंगे। डायरेक्ट AS पे आएंगे तो चीजें थोड़ी सी ना टफ लगेंगी, लगेगा बाउंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि AS में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो 1-2 चैप्टर्स के बाद हम ना पक जाएंगे, थोड़े से ना स्ट्रांग हो जाएंगे, हम एक्सेप्ट करने लगेंगे। पर अगर AS पहले होंगे 2-3 तो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाएगा, इसीलिए पहले 2-3 चैप्टर्स होंगे। सर अक्रूअल बेसिस मतलब क्या है? अक्रूअल मतलब ये कि अगर आज मुझे मेरे एम्प्लॉई ने सर्विस दे दी तो मुझे उसको सैलरी देनी चाहिए, पर मैं उसको सैलरी दे ही नहीं रहा हूं। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को सैलरी 6 महीने बाद दूंगा, पर उसने सर्विस तो दे दी ना, तो आज मुझे अपनी बुक्स में सैलरी एक्सपेंस दिखा देना चाहिए। पे मैं भले 6 महीने बाद करूं चलता, तो अक्रूअल का मतलब अगर ड्यू हो गया तो उसको रिकॉर्ड करो। तुम पेमेंट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट बाद में करोगे तो वो पेमेंट वाली एंट्री बाद में कर लेना, पर
एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने वाली एंट्री अभी करो, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल। फाउंडेशन में आपको समझाया गया होगा आई थिंक। सर फाइनल का स्टूडेंट हूं आपका, लाइव ले रहा हूं। अरे हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू। उत्तेश वर्मा, मुझे तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट बता दो, कौन सा पॉइंट? सर वरीड अलॉट मे बी बिकॉज आई डिडंट क्लियर माई फाउंडेशन इन फर्स्ट, हाउ टू कोप अप विद दिस? जस्ट फॉलो योर फैकल्टी प्रॉपरली, कुछ भी नहीं है, अटैम्प्ट लगते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी फाउंडेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकेंड अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक आई थी, उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक चलती थी, सो डोंट वरी, हो जाता है। चलिए मुझे लगता है बाकी सब लोग, सर मटेरियल कंसेप्ट, मटेरियल कंसेप्ट अभी मैं कल परसों की क्लास में और डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। बाकी सब तुम लोग थैंक यू ही बोल रहे हो, और कुछ तो बोल नहीं रहे हो। तुम्हारे डाउट्स अगर और कुछ हो तो डेफिनेटली आपको नंबर दिया गया है या फिर कल की क्लास में पूछ सकते हो। अकाउंट्स में 70+ लाना कितना इजी है डिफिकल्ट? बहुत इजी है, जय चावला से पढ़ोगे तो। थैंक यू सो मच।